السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم لك الحمد كما هديتنا للاسلام وعلمتنا الحكمه والقران والصلوات الله وسلامه على خاتم النبيين وامام المرسلين وعلى آله الطيبين اللهم اجعلنا ممن اتبع القرآن فساقه وقاده إلى الجنة ولا تجعلنا ممن اتبع القرآن فزخ في قفاه الى النار برحمتك يا عزيز يا غفار يا <applause> حال وميت كرتون بالكل خير يا سيونغه दुआ लाना हमेशा आपको अपनी हिफ्सबाद में रखे आपके वक्त सेहत जिंदगी चारोबाल हदायत पे बहुत सी बरकत ताफ़रमाये ला आपको हर शर हर बीमारी और हर फितने से महफूज रखे आपकी बेहतरीन हिफाजत फरमाएाना ताल आपके लिए क़ुरान का दीन का सीखना समझना अमल करना और इसे दूसरों तक पहुंचाना जो है वो आसान फरमा दे आमीन अल्लाउम आमीन हमारा आज का लेसन नंबर फिफ्टी सिक्स है हमारी सरतुलनसा की आयत फिफ्टीन से लेकर ट्वेंटी थ्री तक है पहले लफजी तर्जबा होगा फिर अल्फाज की ग्रैबर के हिसाब से वजाहत होगी और इनशाला आखिर में तफसर होगी लफजी तर्जमा व्ल ती और वो औरतें या तीना जो आए जो इरतकाब करें अलफाहिशता बेहयाई का मनीसाईक तो भारी औरतों बेसे फस्तशु तो गवाह बना लो अलई हिन्ना उन पर अरब चार मिन कुम तो मै से फ़ाइन फिर अगर शहीदु वो गवाही दे दें फमसी कोन्ना तो रोक लो उनको फिलबुती घरों में हता यहाँ तक के या फौत कर दे उनको अलमऊतु मौत अव या यजाला बना दे अल्लाह अल्ला उनके लिए सबीला कोई रास्ता वल्लादानी और वो दो या तीन हा जो आए इसको यानी बेहयाई को मिन कुम तुम में से फ आदू तो अजिया दो उन दोनों को फ़ाइन फिर अगर ताबा वो दोनों तोबा कर लें व और असलाहा इसलाह कर लें फ़ार दू तो मुँह मोड़ लो एराज करो अनहुमा उन दोनों से इन्ना बेशक अल्लाह अल्लाह अल्ला है तवाबन तोबा कबूल करने वाला रहीमन मेहरबान रहम करने वाला इन्मा बेशक अ तोबा तोबा अल्लाह अल्ला के जिम्मे है लिल्लावीना उन लोगों के लिए या मलुना जो अमल करते हैं असु बुरा बी जहालत के साथ सुिर या तो तबा कर लेते हैं बिन करीबिन करीब से फलाइका तो यही वो लोग हैं या तो बो महरबान होगा अल्लाह अल्लाम उन पर वाह और का न है अल्लाहु अल्ला अलीमन हकीमन हकबत वाला वाह और लइसती नहीं है अ तबा लीन उन लोगों के लिए यामलून जो अमल करते हैं असियाती बुरे यहाँ तक के इजा जब हदरा हाजिर होती है अहद उनमें से किसी एक को अलमा तो मौत अल्ला वो कहता है इन्नी बेशक मैंने तुब तो मैंने तौबा की अल आना अब वला और ना अल्लाव उन लोगों के लिए यमूतू जो मर जाते हैं वा, और हम इस हाल में कि वो कुफ़ारन काफिर हैं उइ का यही लोग आतदना तैयार किया हमने लहुम उनके लिए अजाबन अजाब अलीमन दर्दराक या अयुहा वो अल्लावना लोगो आमनों जो ईमान लाए हो ला नहीं या हल्लु हलाल लकुम तुम्हारे लिए अन के तारिसू तुम वारिस बन जाओ अनस औरतों के करहन जबरदस्ती जबरन वला और ना तादुलन्न तुम रोको उनको तुम मजबूर करो उनको ली ताकि तुम ले जाओ बिबादी बास माँ जो आती तुम्न दिया तुमने उनको इल्ला मगर अन ये के या तीन वो वर्तका करें बेफ़ता बेहया का मुबैनाता खुली वाह और आशी जिंदगी बसर करो उनके साथ बिलमाफ़ी भले तरीके से फिर अगर कर तुम्न तुम नापसंद करो उनको फासा तो हो सकता है अन के तकवा तुम नापसंद करो शयन एक चीज़ को वाह और यजाला कर दे अल्लाहु अल्लाह फी ही इसमें खैरन भलाई कतीरन बहुत सी वाह और इन अगर त तुम इरादा करो तुम इस्तबदाल बदलने का जव जिन बीवी को मकान जगह जव जिन बीवी के व और आतई तुम दे दिया तुमने अहदा इन इनमें से किसी एक को क्यों तारन ढेरो माल फला तो नज़ू तुम लो मू इसमें से शयन कुछ भी आ क्या तजू ना हो तुम लोगे इसको बोतानन बहुतान लगाकर इल्ज़ाम लगाकर व और इफमन गुना मुबीनन खुला व और कैफा किस तरह तजू न हो तुम लोगे इसको व और अद तहक़ीक अफ़दा पहुँच चुका बादुकुम तुम में से बास इला तरफ बादिन बास के और अखजना वो ले चुकी मिनकुम तुम से मीसा कन अहद वली जन पुख्ता पक्का गाढ़ा वला अरना तंकी हो तुम निकाह करो माँ जिससे नकह निकाह कर चुके अबाउकुम तुम्हारे बाप दादा नीसाई औरतों में से इल्ला मगर माँ जो क़द तहक़ीक सलफ़ा गुजर चुका इन्ना बेशक वो कान है फ़ाहिशता बेहयाई का काम व और मक्तन दुश्मनी का सबब वसा और बहुत बुरा है सबीलन रास्ता रमत हराम कर दी गई अलकुम तुम पर उम्महातुकुम तुम्हारी माए व और बनातुकुम तुम्हारी बेटियाँ व और अखवातकम तुम्हारी बहनें व और अम्मातुकुम तुम्हारी पुपियाँ व और खालातुकुम तुम्हारी ख़लाएँ व और बनातु तो अल अलाखी भाई की व और बनातुल तोती बेटियां बहन की व और उम तो माएँ तुम्हारी अल्ला ती जिन्होंने अरदानकुम दूध पिलाया तुमको वह और अखवातुकुम बहनें तुम्हारी मिनरदाती रजा से वह और उम तो माए तुम्हारी बीवियों की व और रबाइबुकुम तुम्हारी बीवियों की बेटियाँ अल्लाह वो जो फ़ी हजूरी तुम्हारी गोदों में हैं मनीसाई कुम तुम्हारी बीवियों में से अल्लाह ती वो जो दखल तुम दखुल किया तुमने बिहन्ना साथ उनके फिर अगर लम नहीं तकों तुम हो दखल तुम दखूल कर चुके बिहिन्न इन पर फला तो नहीं जुनाह कोई गुना अलैकुम तुम पर वह और हलाइलू बीवियां, अबनाइकुम तुम्हारे बेटों की अल्लादीना वो जो मिन असलाबिकुम तुम्हारी पुश से हैं वह और अन ये के तजम तुम जमा करो बैन अख़्तनी दो बहनों के दरमियान इल्ला मगर माँ जो अद तहक़ीक सलफ़ा गुजर चुका इन्ना बेशक अल्लाह अल्लाह काना है ग़ूरा बख्शने वाला रुहिमा मेहरबान आइए अब्फ़ाज़ को ग्रैबर के हिसाब से समझते हैं व और ये अ तफ़ है अल्लाती वो औरतें ये सब मसूल है यानी औरतों के नाम लेने के बजाय नाम की तकरार से बचने के लिए हम जब कह देते हैं वो या वो जो जैसे माँ भी सब मसूल है अल्ला दीना ये भी सब मसूल है अल्ला दी ये भी सब मसूल है अल्ला ती इस मसूल जमा मोनस है या तीना वो आए वो इरतक करें हमजा ता या रूटवर्ड है या तीना फेले मज़ार जबा गायब है आता या ती से बसर है इतियान आना अरतक करना लाना जो हम पहले कहते हैं वो फेलेबाज़ी होता है उसके बाद जो हम कहते हैं वो फेले मुज़ारे होता है यहाँ पे हमने कहा अता फेलेबाज़ी है या ती ये फेले मुज़ारे है अल्फत बेहयाई बदकारी हद से बड़ी हुई बुराई फाहाशीन रुटवट है अल से शुरू हो रहा है इससे मारिफा है जो भी अल से शुरू हो रहे होंगे हमारे आज के लेसन के कलिमात वो इससे मारिफा होंगे और जिसके आखिरी हर्फ पर तनवीन होगी वो इसम नकीरा होंगे यानी आम इसम और मारिफा क्या होते हैं ख़ास मिन से यह हरफ जर है और जो भी हरफ जर के बाद लफ्स आता है वो मजरूर होता है और मजरूर की क्या पहचान है कि उसके आखिरी हर्फ के नीचे एक जेर होगी या दो ज़ेर होंगी नसाई कुम तुम्हारी औरतें ये निसाई जो है ये मजरूर है और रूटवड है नून सीनवाओ निसाई जो है ये मुजाफ भी है और इसका वाहीद है इम्र और आखिर में कुम जबा बज़क्र हाजिर की ज़मीर है और जमा मोनस हाजिर की ज़मीर होती है कुन्ना फ़स्तशिदु तुम गवाह बना लो शीन हा दाल ये रूटवर्ड है शुरू में फ़ हरफ अतफ़ है इस तशिदु फेले अमर जबा बज़क्कर हाजिर है क्योंकि इसमें हुक्म दिया जा रहा है ना कि तुम गवाह बना लो इसलिए ये अमर है इस तशहदा यस्तदु से बस्तर है इस तिशहादुन गवाह तलब करना अलई हिन्ना उन पर यह आला और हन्ना से मिलकर बना है आला क्योंकि हरफ जर है इसलिए उसके बाद आ रहा है हिन्ना जो कि मजरूर है और जमा मोन स्ब की ज़मीर है अरब आतन चार रुबा बीसी से होता है रा बा आयन इसका रुटवड है मिन कुम तुम में से फ़ा इन फिर अगर फ़ा हरफ़ इन शर्तिया है शाहिदू वो गवाही दे दें ये फैलेबाजी जबाबज़कर गायब है शाहिदा यशहदु से बस्तर है शहादत गवाही देना मौजूदो ना फ़ासीकू हन्ना तो रोक लो उनको मीम सीन का फ्रूटवर्ड है फ़ा हरफ अतफ़ है अमसिको फेल अमर जबा बज़क्र हाजिर है अमसक़ा युमसिकु से बसर है इम्साकन रोकना बंद करना हन्ना जबा मानसायब की ज़मीर है फिलबुती घरों में बा या तारुटपड़ है फ़ी हरफ जर है अलबुती मजरूर है वाद है अलबैतू हैता यहाँ तक के ये हरफ गायत है या तोान्ना फ़ोत कर दे उन या रुटवड़ है या तवा फ़ेले बुजार वाहिद मज़क्र ग़ायब है मनसूब है ये तवा या तवा से बसर है तवीयन मनी है उठाना फ़ोत करना और आख़िर में उन्ना ज़मीर है अलऊ तो मौत अव या हरफ तफ़ है यु बना देम आइन लाम रुठवड है यला फेले बज़ार वाद बज़क्र गायब है जब भी यतान में से कोई हर्फ शुरू में आ जाए तो वो फैल मज़ार होता है जला यज आलू से बजर है जालन बनाना निकालना लान्ना उनके लिए ला हरफ जर है हुन्ना ज़मीर है सबीला कोई रास्ता सीन रूटवर्ड है वल्लादानी और वो दो वाह हरफ़ है अल्लादानी तस्निया है या तियानी हा जो आए उसको यानी बेहयाई को या तियानी फ़ेले मुज़ारे तस्निया मुज़कर गायब है और हा वाहिद मोनस्ब की ज़मीर है मिन कुम तुम में से मिन हरफ जर है कुम ज़मीर है फ आ दो तो अज़िया दो उन दोनों को हमजा जाल या रुटवड़ है ईजा उन इसके मानी है इज़ा देना तकलीफ़ देना और आखिर में हुमा जो है वो ज़मीर है तस्निया मुजक्कर की भी और तस्निया मोनस की भी यानी तस्निया मुज़क़्कर मोनस ग़ायब की फ़ाइन फिर अगर ताबा वो दोनों तोबा करें ताबा तबाउ रूटवर्ड है फैलेबाज़ी तस्निया मुज़क़्कर ग़ायब है ये ताब य तूबू से बजतर है तव बातन करना रुजू करना व औरलह असलाह कर लें वो दोनों सौद लाम रूटवड है ये फेले बाज़ी तस्निया मुजक्र गायब है असलह युसलहु से बसर है असलान असलाह इसला करना फ दू तो मुँह मोड़ लो एरास कर लो आइन रॉ दौद रुटवड है शुरू में फ़र्फ अ तफ़ है आरी दु फेल अमर जबा ज़कर हाजिर है आरोदा योरीद से बजदर है ए रुन ए रज़ करना दरगुजर करना मुंह फेरना किनारा करना ख़्याल हटाना ये सब इसके मानी हैं अन हुमा उन दोनों से अन हरफ अतफ़ है हुमा मज़रूर तस्निया तसनिया मानस गायब की ज़मीर है इन्ना लाहा बेशक़ बेशा इन्ना हरफ मुशबिलफ़ेल है और अल्लाह के मानी है अल्लाह काना है ये फैलेबाजी वाहिद बज़र गायब है काना यकूनों से बजर है कौनन मानी है होना तब बन तोबा तवा कबूल करने वाला अल्लाह का सिफ़ाती नाम है तोबत मस्तर से मुबालगे का सीगा है यानी बहुत तोबा कबूल करने वाला है रहीमन मेहरबान बहुत रहम करने वाला रो हामीम रूटवट है अल्लाह का सिफाती नाम है मस्तर से ये भी मुबालगे का सीख़ा है इन्ना माँ बेशक में हसर है ये हरफ मुशब बिलफ़ेल है अ तोबत तोबा ये मस्तर है तोबा करना रुजू करना अल्ला ही अल्लाह के जिम्मे है अला हरफ जर है अल्लाह ही मजरूर है लिला उन लोगों के लिए ली हरफ जर है अल्ला मजरूर है और इसम मौसूल जबा मुज़क्र है यह आमाल जो अमल करते हैं आइन मीमला है ये फेले बुजार जबा मुज़क्कर गायब है आमिल ये आमालु से बजर है अमन असू बुराई या बुरा ये मस्तर है बी जहालतिन जहालत के साथ नादानी से जीम हा लाम रुटपड़ है बी जहालतिन में बी शुरू में हरफ जर है जाहलतिन मजरूर है जहालत को कहा जाता है नादानी को सुम्मा फिर यह हरफ अतफ़ है या तू बू ना तो अबा कर लेते हैं ये तान में से या शुरू में आ रहा है ये फेलेबाज़ी फेले, फेले बुजार जवाब बज़क्र गायब है फेले मुजारे की यही पहचान अभी बताई ना मिन करीबिन करीब से फ रोबा रुटवड है मिन हरफ जर है करीबन मजरूर है क़ुरबन मस्तर से सिफत बशब्बा है यानी बहुत करीब है फलाई का तो यही वो लोग हैं शुरू में जो है हरफ अतफ़ है और उलाई का इसम इशारा जमा बईद है या तोबोल्लाहु मेहरबान हुआ अल्लाह या तोबू फेले बुजार वाहिद बजकर ग़ायब है तबा या तोबु से बसर तौबा तुन तबा करना रुझू करना पहले आ चुका है अलई ऊपर उनके अला हरफ जर है हिम मजरूर और ज़मीर है जबा बज़क्र गायब की व और काना है यह फैलेबाजी वाहिद बज़क़्र गायब है काना यकूनों से मस्तर कौनन ये भी पहले आ चुका है अल्लाम अल्ला। वाला है आइन लामीम मीम मीम वर्ड है और ये मस्तर से मुबालगे का सीगा है हकीमन हिकमत वाला है हा काफ मीम वर्ड है हमत मस्तर से सिफत मुशबा है यानी बहुत हमत वाला व वा और लई सती नहीं है लाम या सीन रूटवड है लई सती फेले माजी नाकिस वाहिद मनस गायब है इसका मुजारे और अमर जो है वो नहीं होता अतो तोबा ये मस्तर है लिल्लादीना उन लोगों के लिए अमलूना जो अमल करते हैं आती बुरे सीन वाव हमजा रूटवर्ड है वाद है सही आतुन हता यहाँ तक के ईदा जब ये इस बामानी यह इसम जर्फ मुस्तबिल बानी शर्त है यहाँ पर आया है ये बाजी से पहले आकर बाजी और बुजारे के मानी देता है हदरा हाजिर होती है हद दा रूटवर्ड है फेले माजी वाहिद मुजकर गायब है हदरा या हदुरु से बजर है हदूर हाजिर होना अहदहुम उनमें से किसी एक को हमजा हद रूटवड़ है अहदा के मानी है किसी एक और हम जो है वो ज़मीर है अलमौतु मौत मी वाता रुटवड़ है अल से शुरू हो रहा है इससे मारिफा है वो कहता है बाज़ी वाहिद बुज़र गायब है कौला या से बजर है कअन मानी है कहना ईज़ा की वजह से तर्जा होगा वो कहता है इन्नी बेशक मैं, इन्नी असल में इन्ना है या साक़िन की मुनासबत से नून को ज़ेर दे दी गई है हर फे बिल शब्बा है और या साक़िन जो है वो ज़मीर है वाद मतकम की तुब तो तु, मैंने तोबा की ये फैलेबाजी वाहिद मुतक़लम है ताबा या से बजर है तोब तोबा करना इज़ा की वजह से तर्जमा होगा मैंने तोबा की अल-आना, अब वला और ना ला नाफ़िया है अल्लाजीना उन लोगों ये इस मसूल जमा मुजक्कर है पहले आ चुका है यमूतूना जो मर जाते हैं ये फेले मुजार जबा वज़कर गायब है वह और हम वो इस हाल में कि वो कुफ़ा काफिर हैं काफारुटवड़ है ये जमा मुकसर है और इसका वाहिद है काफिर रुन का यही लोग पहले आ चुका है आतदना तैयार किया हमने आइन ता दाल रूटवड़ है ये फैलेबाजी जबा बतक़्लम है आतद योतिदु से बजर है इतादन इतादन के मानी है तैयार करना लहुम उनके लिए ल हरफ जर है अजाबन अजाब इसम नकिरा है सजा को भी कहते हैं और इसम मसूफ़ है अलीमन दर्दनाक हमज़ा लामीम रुटवड़ है ये इसम सिफ्त है अलाम मस्तर से सिफत मुशब्बा है यानी बहुत दर्दनाक या अयुहा ए वो या हरफ निदा है जब उरादा अल से शुरू हो रहा हो तो मुजक्कर के लिए या के साथ अयुहा आता है यहाँ मुनादा जो है वो हरफ निदा के बाद यानी या के बाद आने वाला लफ्स अल्लादीना है अल्लादीना मानी है लोगों ये इसम मसूल जबा मुज़क़र है और मुनादा है आ जो ईमान लाए हो हमसा मीम नून रूटवर्ड है ये फेलेबाज़ी जबा मुज़क़र गायब है आमना यु मीनू से बसर है ईमानन ईमान लाना ला या हल्ल्ल्लु नहीं हलाल हा लाम लाम रूटवड़ है ये फेले मुज़ारे मनफ़ी वाहिद मज़क़र ग़ायब है हल्ला या हिल्लु से बसर है हल्ल है। हिलुन हलाल होना जायज़ होना लकुम तुम्हारे लिए ल हरफ जर है और कुम मजरूर है ज़मीर है चबा वज़कर हाजिर की अन के ये मस्तरिया है तरी तुम वारिस बन जाओ वाह रूटवर्ड है ये असल में तरीसू न था अन मस्तिया की वजह से जो आखिर में नून रबी है वो गिर गया है और ये बन गया है तरीसु वाह के बदलीफी है ये फैले बुजार जबाब जकर हाजिर है वरिस या से बजर है विरासत या वरासतुन उर्दू में भी विरासत कहा जाता है ना यानी वारिसो ना साआ औरतों नून सीन वाह रूटवर्ड है करहन जबरदस्ती जबरन ना गुआरी की हालत में काफ़ रा हा जो है ये रूटवर्ड है व और ला हुन्ना ना तुम रुको उनको ना तुम मजबूर करो उनको आइन दोत लाम रूटवर्ड है ये फैले नहीं जमा मुजक्र हाजिर है अदाला यहलु से बस्तर है अदलन नाजायज़ रोकना हन्ना जमा मुनस्ब की ज़मीर है ली तद हबू ताकि तुम ले जाओ दाल हाबा रूटवर्ड है शुरू में ली लाम तालील है तद हबू फेले जबा ज़क़र हाजिर है वहाबा यज हबू से बस्तर है वहाबन मानी है ले जाना बास। बा आइन दौद रूटवर्ड है शुरू में बी हरफ जर है बादी मजरूर है मानी है कुछ टुकड़ा या किसी चीज़ का जुज माँ जो ये इस मसूल है आते तुम हन्न दिया तुमने उनको हमजा ता या रुटवड है फेलेबाजी, जवाब बक्कर हाजिर है ये आते ही तुम वा जज़म वाला और हुन्ना इन तीन से ये मिलकर बना है आतई तुम फेले, माजी जवाब जवाबर हाजिर है आता युक्ति से बसर ईता उन है देना तुमने दिया पहले बात हो चुकी है ना इस पर और वसाकििन जो है ये शुब के लिए है इशबा का कहलाता है और हुन्ना आखिर में ज़मीर है इल्ला मगर या सिवाए ये कलमा इस्तना है अन ये के ये मसरिया है या तीन वो इर्तकाब करें वो आए पहले आ चुका है बिफाहिशतिन बदकारी के लिए ये लस भी पहले आ चुका है मुबई ना तीन खुली बेहि मुबई ना तीन जो है ये सिफ्त है और बा या नून इसका रूटवर्ड है तब यून मस्तर से ये इसम फाइल वाहिद मानस है यानी खुली हुई खुलम खुला व और आशिर और जिंदगी बसर करो उनके साथ आइन शीन रूटवर्ड है आशिरु फेले अमर अब जकर हाजिर है आशा रुआश से बस्तर है मुआशरत या मुआशरतुन जिंदगी गुजारना हुन्ना ज़मीर है बिल मारूफ ही भले तरीके से आन रा इसका रूटवर्ड है तारुफ़ भी इसी से होता है मार्फत भी बी शुरू में हरफ जर है अलमारूफी मजरूर है इरफान उन मस्तर से ये इस मफूल वाहिद मुजक्र है अच्छा तरीका भले दसूर के मुताबिक फ़ा इन फिर अगर करह तुम हन्ना तुम नापसंद करो इनको काफ रा हा रूटवर्ड है करह तुम ये फैले माजी चबा मुजक्कर हाजिर है क़राहा यक्राहु से बसर है करहन ना पसंद करना और वाव साकिन इश्बा के इशबाह आता है हन्ना ये ज़मीर है फ आसा तो हो सकता है आइन सीन या रुटवड है फ़ शुरू में हरफ अतफ़ है आसा यह फेले जामत है मनी है तो है उम्मीद है हो सकता है ये फैले नाकिस का माजी का सीखा है इसका मुजारे नहीं आता ये लफ्ज़ के लिहाज से माजी है लेकिन मानी के लिहाज से मुस्कबिल है अन के ये मस्तरिया है तकवाहू तुम नापसंद करो फैले मुजारे जबा मुज़क्र हाजिर है पहले आ चुका है शयन एक चीज़ को सब नकिरा है वा और यज़ाला कर दे बना दे रख दे फेल मज़ार वाहिद मज़क्र ग़ायब है ज़ाला यज़ालू से बस्तर है जालन बनाना अल्लाह अल्लाह फ़ी ही इसमें फ़ी हरफ जर है ही मजरूर है और वाहिद मुजक्र ग़ायब की ज़मीर है खैरन भलाई खा या रुटवड है ये मसूफ़ है सिर बहुत सी काफ सा रॉ रुटवड़ है कसरातन मस्तर से यह सिफत मुशबा है व इन और अगर इन शर्तिया है औरत तुम इरादा करो तुम रॉ वाओ दाल रूटवर्ड है ये फैलेबाजी जवाबर हाजिर है अरादा यदु से बजर है इरादतुन इरादा करना जहना इस्तबदाल बदलने का बा लाम रूटवर्ड है इस तब्दाला मस्तर है इस तबदला ये फिले माजी है इस तबदला और फिले मज़ार है यस तबदलो और मस्तर इस तब्दाल जव जिन बीवी को जा वाउिन रुटवड़ है मिया बीवी दोनों के लिए आता है मकाना जगह मुकाम काफ़ और नून इसका रूटपड़ है ये इसम र्रफ है जव जिन बीवी आती तुम दे दिया तुमने फेलेबाज़ी जबाब ज़क्र हाजिर है एहदा हन्ना उन में से किसी एक को यानि उन औरतों में से एक औरत को अहदन एक को कहते हैं हन्ना ज़मीर है किन्तोरन ढेरो माल इसका रूटपड़ है काफ़ नून तौ रॉ ऊंची इमारत को कंतरा कहते हैं इसी तरह अगर बाल का ऊंचा ढेर लगा हो तो उसे भी किन्तोर कहा जाता है इसकी जमा है पनातीरु, फला तो ना फ हरफ अतफ़ है लाताजू ना तुम लो हमजा दाल। ये इसका रुटवट है ये फेले नहीं जबा बजकर हाजिर है अहदा या ख़ू से बसर है अखदन मानी है पकड़ना लेना मिनहु इसमें से शयन कुछ भी आ क्या ये हमज़ा इस्तफामिया है सवाल करने के लिए आता है तजू ना हो तुम लोगे इसको तजू न फिलजार जबा जकर हाजिर है हु आख़िर में ज़मीर है बोहतान इल्जाम लगाकर, कर बहतान लगा कर, सरी झूठ को कहा जाता है जिसे सुनकर इंसान हैरान हो जाए वाह और इफम मुबीना खुला गुना यानी खुले गुना के साथ इफमन मसूफ़ है गुना को कहते हैं और मुबीनन, खुले वाज और सरी को कहा जाता है बा या बानून इसका रुटवट है ये इसम सिफ है इबानात मस्तर से इसम फाइल वाहिद मुज़क्र है व और कैफा किस तरह कैफा कलमा इस्तिफाम है सवाल करने के लिए आता है ताहजू ना हो तुम लोगे इसको ऊपर आ चुका है व और या कद तहक़ीक यकीनन ये इसके मानी है कलमा तहक़ीक है ये अफ़दा पहुँच चुका मिल चुका सोबत कर चुका फ दौ दौ इसका रूट पढ़ है यहाँ अफदा में या जो है ना वो हरफ़ इलत है हमारा इस दफ़ा का अरबी क्रैबर का लेसन भी हरूफ़ इलत के बारे में है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लेसन नंबर 16 की वीडियो दी जा रही है लेसन का नाम है हरूफ़ की तकसीम एतबार हरूफ़ इत अट्ठाईस हरूफ़ तहजीब में से तीन हरूफ़ जो हैं हैंफ़ वाओ या ये हरूफ़ इल्लत हैं बाकी पच्चीस जो होते हैं वो हरूफ़ सही कहलाते हैं इंग्लिश में इन हरूफ इल्लत को वॉवल्स कहा जाता है जब किसी कलमे में हरूफ इल्लत आ जाते हैं तो रूट वर्ड में अलिफ़ व या एक दूसरे की शक्ल जो है वो इख्तियार कर लेते हैं मज़ीद वजाहत के लिए वीडियो जो है वह ज़रूर देख लीजिएगा ये जो है ना अफदा ये फैलेबाजी वाहिद मुज़क्र गायब है अफदा युफ दी से बस्तर है इफदा उन मानी है मिलना सोहबत इख्तियार करना बादुकुम तुम में से बास बादु मुजाफ़ है और कुम ज़मीर है इला तरफ़ ये हरफ जर है बादिन बास के वाह और अखजन वो ले चुके हमजा ख़ा जाल रुटवड़ है ये फलेबाज़ी जबा गायब है मिन कुम तुम से मिन हरफ जर है कुम ज़मीर है मी सा क़न अहद सा काफ़ रुटवड़ है ये मसूफ़ है इस मनकर है गली पुख्ता गाढ़ा पक्का गिलदतन मस्तर से ये सिफ्त मुशबा है वाम जॉ ये रुटवड़ है ये वाहिद मुज़कर है मनी है सख्त पुख्ता वला और ना तंकी हो तुम निका करो फैले मुज़ारे जमा मुज़कर हाजिर है ये नून काफा रुटवड़ है न कह हो से बसर है न निकाह करना माँ जिसने इस मौसू है नकाह निकाह कर चुके ये फ़िले माजी है वाहिद मज़क़र गायब है अबाऊकुम तुम्हारे बाप दादा अबाऊ मज़ाफ है इसका वाहिद है अबुन और कुम जो है वो ज़मीर है मिन से अनिसाई औरतों इल्ला मगर माँ जो कद तहक़ीक सलाफ़ा गुज़र चुका सीन लाम्फा रूटवर्ड है ये फेलेबाज़ी वाहिद मुज़क्र ग़ायब है सलाफ़ा यूफ़ू से बसर है सलफ़म व सलूफ़न पहले गुजर चुका है इन्ना हू बेशन्ना हरफ मुशबिलफेल है और हु ज़मीर है वाहिद मुजक्र गायब की कानना है फाहिशतन बेहियाई फ़हशी बदकारी पहले सब आ चुका है व और मक्ता दुश्मनी का सबब पसंदीदा ग्राहत मीम खाफ ता ये रुटवट है ये सब मस्तर है यानी बाप की बीवी से निकाह अल्लाह की दुश्मनी का बायस बनेगा ये मुराद है वा और सा बहुत बुरा है सीन वाह हमजा इसका रुटवड है ये फैले माजी ज़म वाहिद मज़कर ग़ायब है साआ या सू ऊ से बदर है सऊन बुरा करना या उसने बुरा किया सबीलान रास्ता चलन तरीका इसम न किरा है ये हर्रीमत हराम कर दी गई हर आमीम रुटवड़ है ये फैलेबाजी मझूल वाद मोनस्ब है हरवा युहरीम से बसर है तहरीम हराम करना अलई तुम, तुम पर आला अला हरफजर है और कुम ज़मीर है उम हातु कुम तुम्हारी माए हमज़ा मीम मी मूठवड़ है उम्मा हाथु मुज़ाफ है वाहिद है उम या उमुन कुम जमीर है मुजाफिलई है व और बना तो कुम तुम्हारी बेटियाँ बानून या रूटवड़ है बना तो है, वाहिद है बिनतन कुम ज़मीर है मुजाफिलई है व और अखवात कुम तुम्हारी बहने हमज़ा खावा रुटवड़ है व और अम्मा तो तुम्हारी पुपियाँ अम्मा तो मुजाफ़ इसका वाहिद है अम तुन मी मीम रूटवर्ड है कुम जमीर है वा और खलातु कुम तुम्हारी खलाएँ ख़ा वम रूटवर्ड है खालतु मुजाफ़ है, है ख़ालतन कुम जमीर है वा और बनातुल अखी बेटियां भाई की यानी भतीजियां वाहिद है बिन तुन नून रूटवर्ड है ये मुजाफ़ है अजाफिलई है वाह और बनातुल तोलती बेटियां बहन की उखती मुजाफ ली है वाह और उमा हा तोम तुम्हारी उमा हाथ मज़ाफ है और कुम ज़मीर है अल्लाह ती जिन्होंने इसम मसूल जमा मोनस है अरद आना कुम दूध पिलाया तुमको को रौद आइन रुटवट है अरद आना फेले बाजी जमा मोनस गायब है अरदा आदिओ से बसर है इर्द आउन औरत का दूध पिलाना इन औरतों ने यानी दूध पिलाया कुम ज़मीर है और मज़ाफली है व और अख्वात कुम बहने तुम्हारी अख्वा मुजाफ़ है वाहिद है उखत मिनरदआती रज़ात से ये मजरूर है और और मिन जो है वो हरफ जर है और इसम मस्तर है रदाद। दूद दूद और दाद दूध पिलाना दूध शरीक होना व और उमहा माए ये मुजाफ है निसाई कुम तुम्हारी बीवियों की व और रबाइबो कुम और तुम्हारी बीवों बीवियों की बेटियाँ इसका रूट वर्ड है रा बा रबा इबू जो है ये मुजाफ है मुराद है बीवी के दूसरे शोहर की बेटियाँ वाहिद है रबी बतून मुजाफ मुजाफली और ज़मीर है अल्लाह वो जो फ़ी हजूरी कुम तुम्हारी गोदों में है हजिमर और रुटवड़ है फ़ी हरफ जर है हजूरी मजरूर है गोद को हिफाजत को परवरिश को कहा जाता है मन्नीसायकुम तुम्हारी बीवियों में से अल्लाह की वो जो दखल तुम दखोल किया तुम ने बिहन्ना साथिन के यहाँ दख़ल तुम फ़िलेबाजी जबा बजकर जब हाजिर है दल खला मूटवड है दखला यदलू से बस्तर है दखूल दाखिल होना तुम दाखिल हो चुके हो बी हरफ जर है हिन्ना मजरूर है फ इन फिर अगर लम नहीं नफ़ी के लिए आता है तकून तुम हो का फ़ोनू रूटवर्ड है फिले नाकिस वजार जबाब जकर हाजिर है दखल तुम दखुल कर चुके तुम उनके साथ फ़ला तो नहीं जुनाह कोई गुना अलैकुम तुम पर हलाईलु बीवियां ह लाम, लाम रूटवर्ड है वाहिद है हलीलतुन ज़ोज़ा बीवी अब तुम्हारे बेटे अल्ला दीना वो जो इस मसूल है जमा मुजक्कर का मिन असलाबिकुम तुम्हारी पुश्त में से वाहिद है सुल बुन और अन ये के तजमाऊ तुम जमा करो असल में ये तजमाऊ ना था अन की वजह से नुनैरा भी गिर गया है रूट वर्ड है जी नीम आइन जमा यजमाऊ से मजसर है जमुन बीनलु़तनी दो बहनों के दरमियान अला मगर क़द तहक़ीक सलफ़ा गुज़र चुका इह बेशना है ग़ोरा बख्शने वाला रहीमन रहम फरमाने वाला ये दोनों अल्लाह के सफ़ाती नाम है ग़फ़ोरा वफूरन जो है वो गफरान उन मस्तर से है मुवालके का सीखा और रहीमन जो है वो रहमत उन मस्तर से मुवालके का सीखा है आइए बिन आयत की तलाश सुनते हैं अंदुबिल्लाही मिन शैतान रजीब बिस्मिल्लाही रहमान रहीब واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى, حتى حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله أو يجعل الله لهن سبيلا والذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إِنَّ اللَّهَ كَانَ تَوَّابًا رَحِيمًا ۖ إِنَّمَا التَّوبَةُ عَلَى اللَّهِ لِلَّذِينَ ۖ يَعْمَلُونَ السُّوءَ ۖ يَعْمَلُونَ السُّوءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ يَتُوبُونَ ۖ ثم يتوبون من قريب فأولئك فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَرِثُوا لا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَرِثُوا النِّسَاءَ كرها وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا فعسى ان تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا وان اردتم استبدال زوج مكان زوج واتيتم احداهن قنطارا فلا تاخذوا فلا تاخذوا منه شيئا اتاخذونه بهتانا واثما مبينا وكيف تاخذونه وقد افضى بعضكم الى بعض واخذن منكم ميثاقا غليظا ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخ وبنات الأخت الأخ وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فان لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل ابنائكم الذين من اصلابكم وان تجمعوا بين الاختين الا ما قد سلف वरासत के अहकबात के बाद अब माशरे की असलाह की जा रही है बुराइयों का अब जिक्र आ रहा है क्योंकि बदीना बे इस्लामी रियासत क़ायम करने के बाद ये बहुत ही ज़रूरी था कि जो माशरे की बुराइयां हैं उनको ख़त्म किया जाए सबसे पहले अजवाज की, की जा रही है क्योंकि अजवाज़ से औलाद जो है वो खुद ब खुद हो जाती है आयत नंबर पंद्रह है वल्लाती

तो इन औरतों को घरों में रोक कर रखो यहाँ तक कि उन्हें मौत उठा कर ले जाए या अल्लाह उनके लिए कोई और रास्ता पैदा कर दे इब्तदा इस्लाम में जब जना करने वालों के लिए कोई वाज़ अहकाम नहीं आए थे तो उस सवारे में सिदा और बदकारी करने वाली औरतों की जो सज़ा थी वो इस आयत में बताई जा रही है ये आयत सोरे नूर के नज़ुल के बाद जो है वो मनसूख हो गई थी लिहाजा ये बदकारी से मतलब पहला हुक्म है इब्तदाई हुक्म है हद कायम करने के आखिरी और हतमी जो अहकाम हैं जो सोरे नूर में है उससे पहले का हुक्म है इसात में यही कहा जा रहा है सबसे पहले वल्लाती या तीन अल्फाहिशता मिन्नेसाइकुम फस्तशिदु अलैहिन्ना अरबातम निंकुम और वो औरतें जो बेहेयाई और बदकारी का काम करें तुम्हारी औरतों में से तो तुम लोग उन औरतों के इस फेल पर चार गवाह अपने आदमियों से बना कर ले आओ यहाँ पे तुम्हारी औरतों से मुराद है तुम्हारी जो बीवियाँ वगैरह हैं तो चार गवाह अपने लोगों में से ले आओ अलफाहिशा से मुराद यहाँ पर जिना है आज की तरह उस ज़माने में भी औरतें जिना जो है उसको बतौर कारोबार किया करती थी सरेआम ऐसे कारोबार करने का असर जो है वो तो पूरे माशरे पर पड़ता है ना क्योंकि अल्फाहिशा उस खुली बुराई को कहा जाता है जिसका असर जो है वो दूसरों पर भी पड़े दूसरे भी उसे मुतासिर हों यानी पूरा मुआरा फिर इस बुराई की लपेट में आहिस्ता आहिस्ता आ जाता है असरात पड़ते हैं सब पे इस्लाम में जिना की सज़ा हमेशा ही बहुत सख्त रही है यही वजह है कि चार गवाहों की कड़ी शर्त भी आयद की गई है कहा जा रहा है फस्तश अरबातम निंकुम। अगर तुम चाहते हो कि जिना करने वाली औरतों को सज़ा मिले उन पर हद कायम हो जाए तो सबूत के तौर पर चार गवाह ले आओ जो शहादत की अहलियत रखते हों जी अहलियत रखने के लिए क्या क्या ज़रूरी है अक्लमंद हो, आकिल हो, बालिग हो, मुसलमान हो, आज़ाद हो, और फिर काबिल अतम हो, और मर्द हो, ये गवाह गवाही दें कि उन्होंने फ़लाँ औरत को ख़ुद अपनी आँखों से ये गुनाह जो है वो करते हुए देखा है चार गवाहों की शर्त भी इस बुराई को फैलने से रोकने के लिए है ताकि दूर दूर तक बात ना फैले और दूसरे भी मुतासिर ना हों के चलो जी ये हो रहा है तो हम भी कर लेते हैं ताकि देखे अगर किसी एक दो ने इस बुराई को होते हुए फर्ज करें देख भी लिया है तो हद कज़फ़ लग जाने की वजह से उसके डर से वो खामोश रहेगा यानी हद कजफ के डर से किसी पर झूठा जिना का लगाने से वो डरेगा हद कज़फ के बारे में तो आप पहले पढ़ चुके हैं ना जिसमें जिना का इल्ज़ाम लगाने वाला चार गवाह ना लाने की सूरत में अस्सी कोड़े खाता है फिर कहा जा रहा है फाइन शहीदू अगर चार गवाह गवाही दे दें फमसी को हन्ना तो रोक लो उनको बीवियों को फिर बुयूती घरों में यानी घरों में फिर कैद कर लो कब तक हता या तवफ़ा हन्न मौत यहाँ तक कि उन्हें मौत आ जाए जैसा कि पहले बात हुई ये इब्तदाई हुक्म है अभी रजम और कोड़ों की सज़ा का हुक्म नहीं आया लिहाजा चार गवाहों की गवाही हो जाने के बाद यह पहली सज़ा दी जाएगी और वो सज़ा ये है कि उन्हें घर से निकल लेना दिया जाए घरों में क़़ैद रखा जाए कब तक कहा जा रहा है यहाँ तक कि उन्हें मौत आ जाए और मौत उनका ख़ात्मा कर दे वजह यह है ताकि बेहयाई मजीद ना बढ़े ना फैले फिर कहा जा रहा है या ला हु ला सबीला या बना दे अल्लाह उनके लिए कोई सबील कोई रास्ता यहाँ पर रास्ते से बरात जिना की वो सजा है जिसका हुक्म बाद में सुरैन में आया था वो ये था कि शादी शुदा जानी मर्द और, और, और औरत को रजम कर दिया जाए और गैर शादीशुदा जानी और जानिया को सौ सौ कोड़े मारे जाए सुरेनूर के इस हतमी हुक्म की वजह से जो इस आयत का हुक्म है घरों में क़ैद करने वाला ये मनसूख हो गया यहाँ सबीलन से यही मुराद है कि जब तक हुक्म सानी नहीं आता जानिया औरतों को घरों में कैद रखा जाए तिबरानी में है आप फरमाया नसा के नाजिल होने के बाद फ़मसी फिल फ़िल्बयूत के बदकारी करने वाली औरतों को घरों में रोक कर रखो यानी घरों में कैद रखो का हुक्म अब बाकी नहीं रहा आयत नंबर सोलह है वल्लादानी तयानी हम कुम फ़ आदो हमा फ़ाताबा व आरदू अन अनहुमा इन न लाका ना तो तर्जबा है और जब तुम तो में से दो शख्स बदकारी करें तो इनको ईजा दो यानी वो सजा दो जो इबरत का बास हो फिर अगर वो दोनों तबा करें और अपने असलाह कर लें तो उनसे दरगुजर करो बेशक वो बहुत तोबा कबूल करने वाला बड़ा मेहरबान है इस आयत के बारे में भी मुफसरीन की यही राय है कि नूर में जब शादीशुदा जिनाकार को रजम करने की और शादीशुदा जो ना हो उसको सौ कोड़े मारने की सज़ा का हुक्म जब आ गया तो ये आयत नंबर सोलह भी आयत नंबर पंद्रह की तरह मंसूख हो गई यहाँ सबसे पहले कहा जा रहा है वल्लादानी दानी तयनकुम और वो दो जो आए इस बुराई को यानी इस बुराई का जो इरतक करें यहाँ वल्लादानी और वो दो इससे मुराद एक मर्द और एक औरत भी हैं और दो मर्दों की तरफ भी इशारा है जो ख़िलाफ़ फ़ितरत हम जिनसी करते हैं अमले लवात या अमले लूत जिसे कहा जाता है क्योंकि ये अमल सबसे पहले कौम लूत ने किया था और इस कुरा की वजह से उस बस्ती को ज़मीन से उठा लिया गया था और ओंधा करके ज़मीन पर फेंक दिया गया था और फिर उन पर पत्थरों की बारिश की गई थी हर पत्थर पर नाम लिखा हुआ था जिसको उसने लगना था यानी उल्टा काम तो घर भी उल्टा दिए गए सज़ा भी उनके अमल के मुताबिक मिली और अगर आज के ज़माने को लिया जाए तो इससे बराध दो औरतें भी हो सकती हैं जो आपस में हम जन्सी का अमल करती हैं कहा जा रहा है ये दोनों जब आपस में बदकारी करें यानी एक मर्द और एक औरत या दो मर्द या दो औरतें फ आजू माँ तो इन दोनों को सजा दो अजियत दो तकलीफ़ दो ये इब्तदाई तदबीर थी पहला बादा हुक्म सोतुलमादा की आयत नंबर तैतीस में था कि किसी भी तरह का फसाद करने वाले को क़त्ल कर दिया जाए ये बदकारी भी अल्लाह की ज़मीन पर फसाद करना ही तो है इसी वजह से आप सल्ला ने सल ऐसे बदकारों को रजम करने की सज़ा दी थी सोरेनूर आयत नंबर चौबीस पे बायदा अहकाम भी आए जो कि हतमी और आखिरी अहकाम थे आगे जा के हम पढ़ेंगे यहाँ यही कहा जा रहा है जब ये दो ख़्वा शादीशुदा हों या कंवारे जब ये बदकारी करें तो सज़ा ज़रूर दी जाए ये सज़ा ज़ुबान से सख्त कलामी और डांट डपट करके भी दी जा सकती है बुरा बहला जो है वो कहा जाए यानी अल्लाह से बुरे अंजाम से डराया जाए बुरा भला कहने से यही मुराद है ना कि उन्हें शर्म और गर दिलाई जाए या फिर हाथों से उनको मारा पीटा जाए ताकि वो आखरत के बुरे अंजाम से बच सकें और अपनी इस बदकारी से वो पलट आएँ तोबा इस्तफ़ार कर लें शर्मिंदा हो जाए अपनी असलाह कर लें तफसरे तबरी एट टू वन एट में है आप सल्लम ने फरमाया जिसे तुम कौम लूत का फ़ेल करते देखो तो दोनों को क़त्ल कर डालो अल्लाह ने ऐसा अमल करने वालों पर लानत फरमाई है अल्लाह उनकी तरफ़ रहमत की निगाह से नहीं देखता ऐसा अमल करने वालों को सख्त सज़ा देने की जो है रवायात हमें मिलती हैं मसलन आग में जला दिया जाता था दीवार उन पर गिरा कर उन्हें कुचल दिया जाता था ऊंची जगह से फेंका जाता था या फिर तलवार से उन्हें मारा जाता था आयत के आखिर में है फ़ान्ताबा वह फारदुमा फिर अगर वो तोबा कर लें अपनी असलाह कर लें तो उनसे दरगुजर कर लो इन्नल्लाह का न तोा बेशक़ अल्लाह तोबा कबूल करने वाला बड़ा ही मेहरबान है यहाँ यही कहा जा रहा है अगर वो दोनों तोबा कर लें अपनी असलाह कर लें शर्मिंदा हो जाए सज़ा भी मिल जाए तो फिर तुम उन्हें मलामत मत करो मज़ीद सख्ती ना करो मज़ीद सज़ा ना दो बल्कि एराज बरतो कहा जाता है अगर किसी को इनकी बदकारी का पता ही ना चला हो और उन्होंने अल्लाह से सच्ची तोबा कर ली हो अल्लाह से इस्तार कर लिया हो और उस गुनाह को भी करना छोड़ दिया हो तो कहा जा रहा है अल्लाह व फ़ुरम है लेकिन अगर उनकी बदकारी का सबको पता चल गया हो सज़ा मिल मिलने के डर से वो तोबा कर लें तो सज़ा माफ़ नहीं होगी हाँ अल्बत्ता अगर ये सज़ा मिल जाए उनको और मिलने के बाद उन्होंने तोबा कर ली अब वो दोबारा वो गुनाह नहीं कर रहे तो कहा जा रहा है अब उन्हें तुम मज़ीद लान तान ना करो मलामत ना करो क्योंकि अल्लाह भी तोबा कबूल करने वाला और बड़ा मेहरबान है वैसे भी कहा जाता है ना जब हद कायम हो जाती है सज़ा मिल जाती है तो वो गुनागार जो है वो फिर गुनाहों से पाक हो जाता है हाँ सज़ा मिलने के बाद जब वो दोबारा गुनाह करे तो वो फिर और बात है और अगर दोबारा गुना नहीं करता बल्कि नेकियों में दौड़ लगा देता है तो अब उनको उनका गुनाह याद दिलाकर शर्मिंदा करना जो है वो ख़ुद को गुनाहगार करने के बराबर है क्योंकि देखें जो अल्लाह का दोस्त होता है ना वली कहा जाता है उनमें बहुत से ऐसे भी होते हैं जिससे कोई बड़ा गुनाह सरजद हो जाता है जैसे हज़त मूसलम ने एक घूसा मारा गूंसा इस से तो नहीं मारा था कि मैं उसको मार डालूँ ज़ार ये खता होगी थी और एक शख्स मारा गया था तो उन्होंने फिर क्या किया था नेकियों मैं दौड़ लगा दी थी तो कहा जा रहा है अगर किसी से बड़ा गुनाह हो जाए जो कि अक्सर वलीउल्लाह से हो भी जाता है और फिर वो नेकियों में बढ़ते ही चले जाते हैं क्योंकि उनके अंदर बहुत ज़्यादा एहसास शर्मिंदगी होता है वो अल्लाह से बहुत नादिम होते हैं उनके अंदर बहुत ही बेचैनी होती है और ये जो एहसास शर्मिंदगी है ना वो उन्हें चैन से नहीं बैठने देती वो अपना तन मन धन सब अल्लाह को राज़ी करने में लगा देते हैं और थक थक के भी सोचते हैं शायद अल्लाह अभी भी, भी राज़ी नहीं हुआ सिर्फ़ एक ही फ़िक्र होती है उन्हें किसी तरह से मेरा रब मुझे राज़ी हो जाए इसी लगन की वजह से वो इतना नेकियों में आगे बढ़ते हैं इतना आगे नेकियों में बढ़ते हैं कि उन्हें क़ुर्बाई जो है वो नसीब हो जाता है वो अल्लाह के मुकर्रब बन जाते हैं वो वलीअल्ला बन जाते हैं अल्लाह के दोस्त बन जाते हैं क्योंकि अल्लाह को नेकी करके तकबर करने वाले के मुकाबले में वो शख्स ज़्यादा प्यारा होता है जो गुनाह करके तौबा करता है और इसी शर्मिंदगी में नेकियां कर कर के भी डरता है पता नहीं कबूल हुई कि नहीं हुई और नेकियां कर कर के भी नहीं थकता इन दो आयत में बदकारी करने वालों को इब्तदाई हुक्म दिया गया है पहले था औरतों को घरों में कैद रखो यहाँ तक के वो मर जाए और दोनों बदकारों को इज़ा दो और तबाह करने पर सज़ा मिलने पर दरगुजर करो अगर उनकी ज़िंदगी में अल्लाह का को कोई हुक्म बतौर हद आ जाए तो उसे नाफिस कर दिया जाए हाँ जब हद कायम करने के अहकाम आए तो क़ैद करने और यही जो इस में अहकाम हैं ये फिर मनसूख हो गए آية نبأة ستره إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما ترجمة الله صرف أنهي لوغوں کی بول قبول فرباتا जो नादानी में कोई बुराई कर बैठते हैं फिर जल्दी इससे बाज़ आ जाते हैं और तोबा कर लेते हैं तो अल्लाह उनकी तोबा कबूल कर लेता है और अल्लाह हर बात को ख़ूब जानने वाला भी है और हमत वाला भी है अब आयतब सत्रह और इससे अगली आयतबर अठारह जो है उनमें बताया जा रहा है कि किन लोगों की तोबा कबूल होती है और किन की तोबा कबूल नहीं होती यहाँ कहा जा रहा है तौबा तो अल्लाही लिल्लादीन यामलून मलुनसुअ अब अल्लाह सिर्फ़ उन लोगों की तोबा कबूल फरमाता है जो जहालत की वजह से बुराई कर बैठते हैं जहालत के बहुत से मानी होते हैं नंबर एक ला नंबर दो नादानी नंबर तीन नादानस्ता, नंबर चार हिल्म ना होना यानी जज्बाती होना जल्दबाज होना यहाँ कहा जा रहा है अल्लाह सिर्फ़ उन लोगों की तोबा कबूल फरमाता है जो जहालत की वजह से लाइल्मी की वजह से कोई गुनाह कर बैठते हैं या जज्बाती होने की वजह से जल्दबाज होने की वजह से या नादानस्ता गुना कर बैठते हैं यानी उन्हें ये तो पता होता है कि जिना गुनाह है लेकिन इसके दुनियावी और आख़रत के नुकसान का ठीक से इल्म नहीं होता और ना ही ये इल्म होता है कि अल्लाह ने इस गुनाह की दुनिया में क्या हद मुकरर की है क्या सज़ा है इसकी या फिर थोड़ा बहुत म तो होता है यानी इसके नुकसान को तो जानता है लेकिन जज्बा में बहकर या दबाव में आकर कोई गुनाह कर बैठता है नादानी और नादानस्तगी में या फिर जज्बात पे बहकर कर करने वाले गुनाह करते ही बेचैन हो जाते हैं उनका ज़मीर जो है वो उन्हें झंझोड़ता है चलो फ़ौर नहीं तो कभी ना कभी उन्हें अपनी ग़लती का एहसास हो ही जाता है जब उन्हें सही से इल्म आ जाता है या उस गुनाह की सज़ा पता चल जाती है वो एहसास निदामत की वजह से अपने किए पर बहुत ज़्यादा शर्मिंदा होते हैं ख़ुद को मलामत करते हैं और अब जला करना चाहते हैं कहा जा रहा है सम यतु बुनाबी फ़ाउ का यतुबल फिर फ़ौर तौबा कर लेते हैं अल्लाह के हजूर गिड़गड़ाते हैं रोते हैं अल्तजाएँ करते हैं कहा जा रहा है अल्लाह भी फिर उन पर मेहरबान हो जाता है उनकी तौबा कबूल फरमा लेता है क्योंकि उन्होंने गुनाह जो है वो हालात से मुतासिर होकर या अपनी किसी कमजोरी की वजह से या जल्दबाजी की वजह से जज्बात में आकर किया होता है वह कान अल्लाहु अलीमन हकीमा और अल्लाह को सब मालूम होता है ये कि किस वजह से किया अल्लाह इल्म वाला है सब कुछ जानने वाला है हिकमत वाला है अल्लाह सुभान तआला हम सबको भी दरगुजर फरमाए अब अगली आयत में बताया जा रहा है कि अल्लाह किनकी तौबा कबूल नहीं फरमाता आयत नंबर 18 है व अलैस तौबा लिलजीन यमलून असयआत हता हदमाऊतू क़ला तुबत वी यमूतु ना वहमक़्फ़ारतदनालुम अजाबन अलीम तर्जबा है उनकी तोबा कबूल नहीं होती जो बुरेमल करते चले जाते हैं यहाँ तक के जब उनमें से किसी को बौत आती है तो फिर कहते हैं कि अब हमने तोबा की और उनकी तोबा भी कबूल नहीं होती जो कुफर पर ही मर जाते हैं यही वो लोग हैं जिनके लिए हमने दर्दनाक अजाब तैयार कर रखा है ये तर्जमा था इस आयत का अगर ये तोबा का दरवाज़ा जो है वो तो हर एक के लिए हर वक्त खुला रहता है जैसा कि सुतुश्रा आयत नंबर पच्चीस में है वाहूअल्ला दी योकबाल तोबाता अन इबादी और अल्लाह ही तो वो जात है जो अपने बंदों की तौबा कबूल फरबाता है लेकिन फिर भी तौबा की कबूलियत के लिए भी कुछ शरायत होती हैं इस आयत में उन्हीं शरायत का ज़िक्र है सबसे पहले कहा जा रहा है वलई सती तोबतल दीन या मलोन सयात उनकी तोबा कबूल नहीं होती जो बुरे अबाल करते ही चले जाते हैं कहा जा रहा है उनकी तोबा की कबूलियत का वादा नहीं है जो गुनाह पर गुनाह करते ही चले जाते हैं और गुनाहों पर डटे रहते हैं इसरार करते हैं जमे रहते हैं यानी गुनाह करने का कोई एहसास ही उनके दिल में नहीं होता बल्कि गुनाह को इस तरह से अपना लेते हैं कि उसके लिए दूसरों से वो बहसों बैसा भी करते हैं आपने भी देखा होगा अक्सर वो झगड़े कर रहे होते हैं और किस बात पर बहस कर रहे होते हैं कि वो ठीक है बग़ैर इल्म के वो ख़ुद को ठीक कहते हैं और जिनके पास इल्म होता है उनसे झगड़ते हैं कि वो गलत है वो क्यों इतना गुनाह पर असरार कर रहे होते हैं और गुनाह के लिए झगड़े कर रहे होते हैं कि ये गुनाह जो है ये जायज़ है इसलिए कि गुनाह उनको मज़ा देता है बल्कि अक्सर तो गुनाह करके ख़ुद पर फख्र कर रहे होते हैं ख़ुद को बड़ी चीज़ समझते हैं औरतें बरहना कपड़े पहन कर निकलती हैं खुशबू से महक्री होती हैं और फिर फखरिया कहती हैं कि हम इतने हसीन लग रहे हैं हम जैसा मेकअप तो किसी को करना ही नहीं आता और ना हम जैसे कपड़े पहनने का किसी को शौर है फिर कहते हैं बस हम जहाँ जाते हैं लोगों की नज़रें बस हम पर ही टिकी रहती हैं मर्दों की निगाहें तो हमारा पीछा ही करती रहती हैं इसको वो फख्रिया बताते हैं अब बताया जा रहा है गुनाहों और बुराइयों में डूबे इन लोगों को तोबा का ख़्याल आखिर आता कब है आता तो है लेकिन कब आता है कहा जा रहा है हत इधा हदरा अदल मऊतु कल इन्नी तुबतुल कि जब इनमें से किसी के पास मौत के फ़रिश्ते आते हैं उनके पास जब मौत आ जाती है तो फिर ये तोबा करते हैं कहते हैं मैंने तोबा की यहाँ मौत के पास आ जाने का मतलब है जब इंसान मौत के फरिश्ते को देख लेता है आपने अक्सर सुना होगा मौत के वक्त कुछ लोग सलाम का जवाब देते हैं वो दरअसल फ़रिश्तों को जवाब दे रहे होते हैं फ़रिश्ते उन्हें सलाम करते हैं ये फ़रिश्ते कुछ लोगों को मौत से चंद दिन पहले भी नज़र आने लग जाते हैं जैसा कि इस रमज़ान में मेरे वाल साहब की वफ़ात हुई वफा से चंद दिन पहले ही उन्होंने कहना शुरू कर दिया था कि अब जल्द ही अल्लाह से मुलाकात होने वाली है मेरे चारों तरफ सफ़ेद कपड़े पहने फरिश्ते जो है वो घूमते रहते हैं इस 2021 के रमज़ान की सताईसवीं रात को पीर के दिन मैं आखिरी पारे का दौरा कुरान यूट्यूब पर लाइव करवा रही थी अभी दो घंटे ही का दौरा कुरान हुआ था दो घंटे भी बाकी थे कि मेरे वाले साहब अपने अल्लाह सुबाना ताली से ख़ाल हकीकी से जा मिले फ़रिश्तों फरिश्ते तो उनके गिरद कई दिनों से घूम रहे थे लेकिन क़ुरान की तकबील होने पर ही उन्हें लेकर गए अल्लाह ने उनको रमज़ान की सताइसवीं रात को ही अपने पास बुलाया अल्लाह सुबहाना तै की हमतें जो हैं वो अल्लाह ही जानते हैं दुआ है अल्लाह सुबाना ताली मेरे वाल साहब की और जिस जिस के इस दुनिया में नहीं हैं उनकी बेहतरीन माफरत फरमाए हमें अपने वालदेन का बेहतरीन सदक एजारिया बनाए आमीन आमीन कहा जाता है बाजा अवत ये फरिश्ते नज़र आते हैं या फिर अल्लाह सबरा तला मरने वाले के दिल में मरने का यकीन डाल देते हैं हमारे एक जाने वाले ने अपने सारे ख़ानदान को इकट्ठा कर लिया था कि आज मैं अल्लाह से मिलने वाला हूँ हो सकता है कोई ख्वाब देख लिया हो या अल्लाह ने दिल में डाल दिया हो जब सब इकट्ठे हो गए तो उन्होंने नमाज पढ़ी और फिर लेट गए कलमा पढ़ा दाएं तरफ खड़े लोगों से कहा हटो इधर मेहमान आ रहे हैं फिर दाएं तरफ देखा मुस्कुराए और सलाम का जवाब दिया और फिर वफ़ात गए। लिहाजा यहाँ भी यही कहा जा रहा है कि जब इंसान मौत के करीब होता है और उसे यकीन हो जाता है कि अब मेरा वक्त आ गया है तो उसके बाद वो तोबा नहीं कर सकता यानी वो करे भी तो तौबा कबूल नहीं होती क्योंकि फरिश्तों का ताल्लुक गैब से है जब फरिश्ते जाहिर हो गए इसका मतलब है गैप देख लिया उन्होंने गैब को देख कर तोबा तो कबूल नहीं होती ना वो तो फिरौन की भी नहीं हुई थी उसने भी मरते वक्त कहा था कि मैं मूसा के खुदा पर ईमान ले आया ख्वाब वो फरिश्ते देखने के बाद चंद दिन मजीद जिंदा रह ले लेकिन अब तोबा कबूल नहीं होगी क्योंकि फ़रिश्ते देख लिए गैब नज़र आ गया जबकि इंसान का इम्तिहान तो यही होता है ना गैब पर ईमान लाए ईमान बिल गैब होना चाहिए ना यानी गैब को देखे बगैर ईमान लाए लिहाजा जब इंसान पर आलम तारी हो जाए वो मौत के आसार देख ले और उसे रू कब्ज़ करने वाले फरिश्ते नज़र आने लगें तो तौबा करने का वक्त ख़त्म हो जाता है क्योंकि उस वक्त इंसान दारुल इम्तिहान से निकल कर दारुल आख़रत में दाखिल हो जाता है और तौबा का वक्त ख़त्म हो जाता है मज़ीद बताया जा रहा है कि इसकी तोबा कबूल नहीं होती वलल्ला यमूतूना यमू कुफ़ार और उन लोगों की तोबा भी कबूल नहीं होती जो हालत कुफर में मर जाएं, यानी जो ईमान ही न लाए सारी ज़िंदगी और मौत भी कुफर पर आए इस आयत पे दो तरह के लोगों का ज़िक्र है जिनकी तोबा कबूल नहीं होती पहली किस्म के लोग मुसलमान हैं जो गुनाह पर गुनाह ही करते रहते हैं और यूं ही उनकी उम्र तमाम हो जाती है और दूसरी तरह के लोग काफ़िर हैं जो कुफरी की हालत में मर जाते हैं अब इन दोनों तरह के लोगों का अंजाम बताया जा रहा है उलाई क आतदना लहुम अजाबन अलीमा ऐसे लोगों के लिए हमने दर्दनाक अजाब तैयार कर रखा है चार किस्म के लोगों की तोबा का जिक्र हुआ ना पिछली आयत को भी ले ले पहली किस्म के लोगों का जिक्र आयत नंबर सत्रह में था जो लाई और जहालत में गुनाह करते हैं और एहसास होते ही इल्म आते ही आगाही होते ही फौरन तोबा कर लेते हैं ऐसे लोगों की तोबा अल्लाह जरूर कबूल फरमाता है जो जिस बात में आकर या नादानी में गुनाह कर बैठते हैं और तोबा भी कर लेते हैं दूसरी किस्म के लोग जब लाइलि में गुनाह करते हैं तोबा में जल्दी नहीं करते बल्कि ताख़ीर करते हैं ऐसे लोगों की तोबा कबूल करने का अल्लाह ने कोई वादा नहीं किया अल्लाह चाहे तोबा कबूल फ़रमा ले और चाहे तो ना कबूल फरमाए तीसरी किस्म है उन मुसलमानों की जो बौत के फरिश्ते देख कर या मौत के आसार देकर तौबा करते हैं उनकी तौबा अल्लाह तआला कबूल नहीं फरमाते चौथी किस्म के लोग जिनकी तौबा कबूल नहीं होती वो काफ़िर हैं जो कुफर ही की हालत में मर जाते हैं कहा जा रहा है इनके लिए दर्दनाक अज़ाब है नंबर एक उनके लिए जो मौत को सामने देख कर तोबा करते हैं जैसा कि फ़िरौन ने डूबते हुए तोबा की थी जो कि कबूल नहीं हुई और नंबर दो दर्दनाक अज़ाब उनके लिए है जो कुफर की हालत में मर जाते हैं लिहाजा हमें तोबा इस्तग़फ़ार का कसरत एहतमाम करना चाहिए आप वसल्लम भी कम से कम सत्तर बार इस्तग़फ़ार किया करते थे لا تعالى همم ببهترين توفيق تافرميه آمين اللهم آمين آية نمبر 19 يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعدلوهن لتذهبوا ببعد ما آتيتموهن إلا तीन बिफा बिफहशतिम न बिल्माफ़ी फ़ा कर तुमोन فعسى फ़ासा अन तक्र शैया الله فيه ही كثيرا तर्जबा है ए लोगो जो इबाल लाह हो ये तुम्हारे लिए हलाल नहीं है कि तुम ज़बरदस्ती औरतों के बालिक बन बैठो और उनको इस घर से कैद ना करो कि तुमने जो कुछ उनको दिया है उसका कुछ हिस्सा ले उड़ो अल्ला कि वो खुली बेहयाई का अरतक करें और उनके साथ भले तरीके से ज़िंदगी बसर करो और अगर तुम उन्हें पसंद नहीं करते हो तो एन मुमकिन है कि तुम किसी चीज़ को ना पसंद करते हो और अल्लाह ने उसमें बहुत सी खैर और भलाई रख दी हो इस आयत में अल्लाह सबारा ताल सबार जहालियत की ज़ालिमाना जो रसूम है उनका ख़ात्मा फरमा रहे हैं अरबों के हाँ रवाज था जब कोई औरत बेवा हो जाती थी तो उस बेवा को भी वरासत का हिस्सा समझा जाता था वृषा जो है वो उसके मालिक बन जाते थे बेवा जो है वो वृषा की इजाज़त के बग़ैर दूसरी शादी नहीं कर सकती थी और ना ही कोई फ़ैसला जो है वो अपनी मर्ज़ी से कर सकती थी इसी तरह एक रवाज जो है वो ये भी था कि जब कोई शौहर अपनी बीवी को तलाक देना चाहता था और साथ में ये भी ख्वाहिश रखता था कि जो हक बैर मैं उसको पहले दे चुका हूँ वो भी मुझे वापस मिल जाए तो वो बीवी को खूब खूब तंग करता था परेशान करता था घर में क़ैद रखता था ताकि वो मजबूर होकर खुद ही खुला का मतालबा कर दे या कहे मुझे तलाक़ दे दो जो शरातें बता दो मैं पूरे करती हूँ और इस तरह शौहर को बीवी से भी छुटकारा मिल जाता था और हक महर और जो भी तोहे तहाएफ़ और दी होते थे सब वापस मिल जाते थे हज़रत अक्रमामल से रिवायत है कि अबू कैस की बीवी कबीना रज़ी अलहा ने आप सल्ला वसम को ख़बर दी कि ये लोग मुझे वारिसों में शुमार करके मुझे मेरे शौहर की वरासत नहीं दे रहे यानी मुझे ना वारिसों में शुमार कर रहे हैं और ना वरासत दे रहे हैं और ना ही ये मुझे छोड़ देते हैं कि मैं कहीं और निकाह कर लूँ कहा जाता है इस पर ये आयत नाजिल हुई अल्लाह तआला फरमा रहे हैं या युला दी न आमनकुम अंतर निसा अ करहादुल न लिताबू बी बा आती ए ईमान वालो तुम्बे हलाल नहीं है यानी तुम पर जायज़ नहीं है कि जबरदस्ती औरतों को वरासत समझ बैठो और उन्हें इसलिए रोक न रखो कि जो तुमने उन्हें दे रखा है उसमें से कुछ ले लो यहाँ बेवा के वारिसों को पहली बात तो यही कही जा रही है कि शौहर के बर जाने पर बेवा के वर्षा जो हैं वो उसे भी बाल वरासत ना समझें कि बेवा से या तो ज़बरदस्ती ख़ुद निकाह कर लें या अपने भाई भांजों और भतीजों का निकाह कर दें या सतीले बेटे जो है वो निकाह कर लेते थे ताकि वो रासत हाथ से ना जाए कहा जा रहा है वुरसा ऐसा भी ना करें कि अब इन बेवाओं को कहीं और निकाह ना करने दें उन्हें सारी ज़िंदगी बग़ैर निकाह के गुजारने पर कहा जा रहा है वारिस मजबूर ना करें बुखारी किताबुल तफसीर सुरतुल्नसा फोर फाइव सेवन नाइन में है हज़रत इबन इब्बास रज़ीम फरमाते हैं कि इस्लाम से पहले जब कोई शख्स बर जाता तो उसके वारिस मरने वाले की बीवी के पूरे हकदार समझे जाते थे अगर उनमें से कोई चाहता वारिसों में से तो उसे अपने निकाह में ले लेता और अगर कोई चाहता किसी दूसरे के निकाह में दे देता और अगर वारिस चाहते तो उसे निकाह ही ना करने देते बैके वालों से ज़्यादा उस औरत के हकदार जो है वो ससुराल वाले ही गिने जाते थे माने जाते थे जहलीत की इस रस्म के ख़िलाफ़ ये आयत नाजिल हुई कहा जा रहा है वला तादुलन्नः और ना तुम मजबूर करो ना तुम रोको इनको ली तजह बी बाी माँ हन ताकि तुम वो ले लो जो तुमने इन्हें दे रखा है यहाँ उन शहरों को कहा जा रहा है जो अपनी बीवी को नापसंदीदगी की वजह से तलाक देना चाहते थे लेकिन रोके रखते थे तलाक नहीं देते थे उनको हक जोजियत नहीं देते थे ना नफका नहीं देते थे बदखलाकी करते थे बुरी तरह पेश आते थे और ऐसे हालात पैदा कर देते थे कि बीवी जो है वो मजबूर हो जाए और तंग आकर खुद ही तलाक़ का मतालबा कर ले और इस तरह शोहरों को ये मौका मिल जाए कि वो बीवियों से कहें कि ठीक है तलाक देता हूँ लेकिन एक शर्त है कि हक बहर और जो भी मैंने तोहफे तहफ़ दिए थे माल वग़ैरह सब मुझे लौटा दो फिर तलाक मिल जाएगी इस चाल चलने से शोहरों को बीवी से भी छुटकारा मिल जाया करता था फ़ायदा भी हो जाता था हक मेर और माल वग़ैरह भी वापस आ जाता था शोहर तलाक़ देने की ये शर्त भी रख लेते थे कि जहाँ मैं चाहूँगा तुम्हारा वहाँ ही निकाह होगा यानी अपनी मर्ज़ी से नहीं कर सकती हो तो और जो है वो इस श से और जो भी कैदो बंद उस पर लगाए जाते थे उनसे बाहर निकलने के लिए भी हक मैर लौटा देती थी जो माल उसके पास तोहफे तयफ़ मिले होते थे वो भी वापस कर देती थी अबू दाऊद किताबो निका टू ज़ीरो नाइन ज़ीरो में है जब किसी औरत का शौहर बढ़ जाता तो कोई भी आकर उस पर अपना कपड़ा डाल देता और वो ही फिर उसका मुख्तार समझा जाता अगर कपड़ा डालने वाला उसे हसीन पाता तो उसे अपने निकाह में ले लेता और अगर उसे पसंद ना आती तो यूं ही रोके रखता यहाँ तक कि वो मर जाती और उसके मरने के बाद उसके माल का वो वारिस बन जाता ये भी रिवायत है कि मरने वाले का कोई गहरा दोस्त कपड़ा डाल देता था फिर अगर वो औरत कुछ फिदिया कोई माल शाल दे देती थी तो उसे फिर वो बदले में निकाह की इजाज़त दे दिया करता था वरना वो यूं ही मर जाया करती थी हज़रत ज़ैद बिन असलम रही फरमाते हैं अहल मदीना का दस्तूर था यानी रवाज़ था कि वारिस उस बेवा के भी वारिस बन जाया करते थे फिर कहा जा रहा है अीना बेफ़ाइश तबय सिवाय ये कि वो इरतक करें खुली बेहि का अल्ला तरमा रहे हैं सिर्फ़ एक सूरत है कि तुम तलाक देकर अपने माल अपना हक मैर तोहफे तहफ वापस ले लो उनका मुतालबा कर लो और वो सूरत यह है कि जब वो खुली बेहयाई पर मुराद है जिनाकारी पर उतर उतरएँ तो सिर्फ़ इस सूरत व जायज़ है कि तुम अपनी बीवियों से छुटकारा पाने के लिए क्योंकि वो फहाशी पर उतर रही हैं बदकारी पर उतर रही हैं तो उनसे छुटकारा पाने के लिए अपना हक मह वापस लेने के लिए जो भी तोहफ़े तहफ़ दिए हैं वो वापस लेने के लिए उन्हें तंग करो उन्हें मजबूर करो कि वो ख़ुद तलाक़ का मुतालबा करें और इस तरह तोहफे तहाइफ और मेहर वापस कर दें फिर है अबाना तै फरमा रहे हैं वह आशी बिल बिल्माफ और ज़िंदगी बर बसर करो उनके साथ बीवियों के साथ भले तरीक़े से

कुरान ने उनके साथ उसने माशरत का हुक्म दिया है आप सल्ला वलम ने भी बीवियों के साथ अच्छा सलूक करने की बहुत ज़्यादा ताक़ीद की है तिरबीसी अबाब्रद्दा में है आप सलील वलम ने फरमाया ममिनों में सबसे कामिल वो शख्स है जिसके अखलाक अच्छे हों और तुम में से बेहतर वो लोग हैं जो अपनी बीवियों के हक में बेहतर हैं सही मुस्लिम है ला य फ्रक मिन ममिना तसिता मिन है खुल वदिया मिन है आखिर मोमिन मर्द यानी शौहर मोमिना औरत यानि बीवी से बोगस ना रखे आप ने हजरतल के मौके पर फरमाया औरतों के बाबले बल्ला से डरते रहो क्योंकि तुमने उन्हें अल्लाह की जिम्मेदारी पर हासिल किया है यानी निकाह एक ज़िम्मेदारी थी ना एक मॉदा था ताला को गवाह बनाया था और इनको अल्लाह का नाम लेकर ख़ुद पर हलाल किया है तुम्हारा इन पर यह हक है कि वो तुम्हारे बिस्तर पर किसी ऐसे शख़्स को ना आने दें जिसको तुम नापसंद करते हो और उनका तुम पर यह हक है कि तुम उन्हें दस्तूर के मुताबिक जो भी रवाज है उसके मुताबिक खुराक और पोशाक मुहैया करो नानफका दो ने बुखारी किताबो निकाह में है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया औरत पसली की तरह है अगर तुम इसे सीधा करने की कोशिश करोगे तो उसे तोड़ दोगे लिहाजा अगर उससे फायदा उठाना चाहो तो इसी हालत में उठाओ जबकि इसमें कमी मौजूद हो अबायत का आखिरी हिस्सा इसी हदीस से मतलब है कहा जा रहा है फ़ इन कर तुम हन्ना फ़सा अन तक्रा शैया वाह ही खीरा फिर अगर वो तुम्हें नापसंद हो तो हो सकता है कि कोई चीज़ तुम्हें नागवार हो बगर अल्लाह ने इसमें बहुत सी खैर और भलाई रख दी हो यहाँ यही बताया जा रहा है कि ये बिल्कुल मुमकिन है कि तुम्हें अपनी बीवी की कुछ आदत पसंद ना हो या मिजाज ना मिलते हो हो सकता है शक्ल सूरत ना भाती हो तो इन वजूहात की बिना पर उनसे पीछा ना छोड़ाओ यानी असल चीज़ क्या है बीवी पाक दामन हो नेक हो शरीफ हो हाँ अगर बीवी में बेहयाई फ़हाशी और जना जैसी बुराइयाँ हो तो फिर आप तलाक दे सकते हो ये बुराइयाँ ना हो तो दीगर जो कमी कुतियाँ हैं उनकी वजह से कहा जा रहा है तलाक़ ना दो अगर बीवी की एक आदत तुम्हें पसंद नहीं तो उसकी उन आदतों पर तोजा करो जो तुम्हें पसंद है कुछ कमी कोताइयाँ हैं तो कुछ ख़ूबियाँ भी तो होंगी ना हो सकता है वो खूबसूरत ना हो लेकिन किफ़ायतुार हो तालीम याफ़्ता ना हो लेकिन इताद गुजार हों सदगी पसंद हो लिहाजा उनकी ख़ूबियों पर नज़र रखो अगर कोई कमी कोताही हो तो दरगुजर का मामला करो यानी जल्दबाजी में तलाक ना दे दो बल्कि तहमुल का मुजाहरा करो सबर और बर्दाश से काम लो अल्लाह पर भरोसा रखो अल्लाह पर तोल करो अल्लाह से अच्छी उम्मीद रखो हो सकता है ख़ूबसूरत और तालीम याफ़्ता ले आओ इनको तलाक़ दे के और वो ऐसे ऐसे नाजायज़ मुतालबे करें फ़ूल ख़र्चियाँ करें गिले शिकवे करें कि तुम्हारा जीना ही हराम कर दें लिहाज़ा कहा जा रहा है अच्छे रवैये से अच्छे अखलाक से प्यार से समझा कर ज़ाहिर अल्लाह साली से दुआएँ भी की जाएंगी अल्लाह से दुआएँ करके हिकमत से बात करके बीवी को बदलने की कोशिश करो उसकी आदतों को जो भी चाहते हो तब्दीली वो इन्हीं बीवियों में ले आओ क्योंकि हो सकता है अल्लाह इसी बीवी में से खैर कसर अता फ़रमा दे खैर क़सीर से मुराद है बहुत सारी बरक़त आ जाए सौले नेक औलाद इनसे तुम्हें हासिल हो तुम्हारे कारोबार माश में बरकत हो जाए तुम्हारी सेहत में ज़िंदगी में वक्त में बरकत हो जाए लिहाजा यही बेहतर है कि इसी बीवी पर इतफा करो कनात करो और एहसन तरीके से इस रिश्ते को निभाने की पूरी पूरी कोशिश करो अपना घर तोड़ने की बजाय और अगर बच्चे हैं तो बच्चों को बा की ममता से महरूम करने की बजाय अपनी बीवी की प्यार मोहब्बत से इसला करने की कोशिश करो जैसा उसे बनाना चाहते हो वैसे खुद ही बन जाओ इंशाल्लाह वो तुम्हारे अच्छे रवैये से और अखलाक़ से मुतासर होकर ख़ुद ही जैसा तुम चाहते हो वो बनती चली जाएगी दुआएं भी करो उसके लिए और ना भी बने तो उसकी अच्छाइयों पर नज़र रखो हो सकता है नई लाओ तो उस नई बीवी में इस पुरानी बीवी से पहले वाली बीवी से भी ज़्यादा इस की ज़रूरत हो फिर क्या करोगे क्या उसको भी बदलोगे यहाँ उन हालात का ज़िक्र है आप इसके उन तालुकात का जिक्र है जो काबिल बर्दाश्त होते हैं यानी कुछ ले देकर दोनों मियाँ बीवी अच्छी एजवाजी ज़िंदगी गुजार सकते हैं क्योंकि समझौता करना कुर्बानी देना बहुत ही पसंदीदा अमल है कुर्बे लाई पाने का ये ज़रिया बनने वाले काम है और एक बंदा मोमिन से अल्लाह को ये ही मतलूब है कि जहाँ तक मुमकिन हो एक दूसरे के साथ गुज़ारा करने की कोशिश करें क्योंकि कुछ दर्जात सिर्फ सिर्फ़र करने पर ही मिलते हैं हो सकता है अल्लाह ने आपको वो अली दर्जा देने हो इसलिए सब्र करने का मौका इस तरह से दे दिया लेकिन बाज़ बाज़त ऐसे हालात भी पैदा हो जाते हैं कि इंसान की बर्दाश्त बिल्कुल ही जवाब दे जाती है अब वो एक जो रूटीन की मामूल की ज़िंदगी होती है ना वो नहीं गुज़ार पाता एक आम ज़िंदगी गुज़ारनी उसके लिए मुश्किल हो जाती है यानी वो बहुत ही हर वक्त परेशान रहता है ज़हनी दबाव में रहता है उसका दिल का सुकून इत्मीनान ज़हनी सुकून चला जाता है यानी निभाना बर्दाश्त करना बिल्कुल ही नामुमकिन हो जाता है हर एक को या दोनों में से किसी एक को लगता है उस पर बड़ा ही जुल्म हो रहा है ऐसे हालात में रहकर जहनी मरीज़ बनना जो है वो कोई अक्लमंदी नहीं है और ना ही ऐसा करना कोई नकी है लिहाजा ऐसे हालात में अलग हो जाना ही अक्लमंदी है इसकी इस्लाम ने इजाज़त दी है अगली आयत में इसी का ज़िक्र जो है वो आ रहा है आयत नंबर बीस है व इन औरतु मुस्तबदा लोजम का ना जूज व आतई तुम अहदा हन्ना क्यों तौर फला तजू मन नहु अतू व वम मुबीना तर्जबा है और अगर तुम एक बीवी की जगह दूसरी बीवी लाना चाहो और तुमने उसे ख्वा ढेरों सवान दिया हो तो उस से कुछ भी वापस ना लो क्या तुम बहुतान लगाकर और खुला गुनाह करके मेहर वापस लोगे गुजा आयत में था शौहर जो है वो सिर्फ़ एक सूरत पे बीवी को तलाक देकर हक हकबर ले सकता है और वो सूरत ये थी कि आय्या तीन बिफाशति बना जब वो खुली बेहयाई यानी जिनाकारी कारी पर उतर आए तब ले सकते हैं तलाक देते वक्त हक मैर वापस यहाँ कहा जा रहा है आयत में व इन और अगर तुम एक बीवी के बदले दूसरी बीवी से निकाह करना चाहते हो और पहली बीवी से तलाक लेना चाहते हो व आ तई तुम हन्ना क्यों तार फला और ढेरों सारा महर भी दे चुके हो तो उसमें से कुछ भी वापस ना लो यही कहा जा रहा है अल्लाह सब फरमा रहे हैं जब तुम अपनी बीवी को तलाक देने का फ़ैसला कर ही लो यानी किसी तरह समझौता मुमकिन ही ना हो जैसे कि पहले बात हुई थी और तलाक दे के दूसरी औरत से निकाह करना चाहो तो अब तुम तलाक देते हुए अपनी पहली बीवी से ढेरों माल भी वापस नहीं ले सकते ख़्वा खज़ाने का ख़ज़ाना ही तुमने क्यों ना दिया हो तार माल के एक बहुत बड़े ढेर को कहा जाता है इमरान में भी किन्तार का ज़िक्र आ चुका है यहाँ से भी पता चलता है कि हक बेरबे ढेरों माल दिया जा सकता है तभी तो ताला कह रहे हैं कि ढेरों माल दिया है तो भी नहीं ले सकते तो ज़रा दिया है तो लेने की बात हो रही है ना एक दफ़ा हज़त रज़ी ने मिब्र नबी पर खड़े होकर फरमाया लोगों तुमने क्यों लंबे चौड़े मेहर बांधने शुरू कर दिए हैं अलैहि वसल्लम और अस्हाब ने तो ४०० सौ दरहम मेहर से ज़्यादा नहीं कभी फरमाया था ख़बरदार आज से मैं ना सुनूँ कि किसी ने चार सौ दरहम से ज़्यादा का हक महर मुकर किया हो ये फरमा कर हज़रत उमर रज़ी मेम्बर से नीचे आए तो एक क्रैशी ख़ातून सामने आ गई और कहने लगी लगीं अमिर क्या आपने चार सौ दरहम से ज़्यादा हकमर मुकर करने से लोगों को मना फरमा दिया है कि आपने अल्लाह का कलाम नहीं सुना व आतई तुम अहद क्यों तार फला ताजू मिन शैया और अगर तुम उन्हें ढेरों माल भी महर में दे चुके हो तो उसमें से कुछ भी वापस ना लो ये सुनकर हज़रत उमर रज़ी लन दोबारा मिंबर पर आए और फ़रमाया अल्लाह मुझे माफ़ फरमाए लोगों मैंने तुम्हें चार सौ धर्म से ज़्यादा महर देने से रोक दिया था लेकिन अब कहता हूँ अपनी खुशी से तुम जितना हक मेहर देना चाहो दे सकते हो यहाँ सिर्फ हक महर का जिक्र नहीं हो रहा बल्कि हक महर के अलावा जो कुछ भी देना चाहते हो मालूमता तोहफे तयफ़ या बहुत ज़्यादा हक महर मुकर करना चाहते हो सब कर सकते हो और इस आयत में क्या बताया जा रहा है कि कितना भी दिया है अब तुम तलाक लेते हुए वापस भी नहीं ले सकते हो अता खजू ना हो बोहोतानम वफम मुबीना क्या तुम बहतान लगाकर और खुला गुनाह करके हक मेर वापस लोगे अल्लाह सरमा रहे हैं अगर तुम तलाक देने के बाद उनसे हक मेर वापस करने का मुतालबा करोगे तो ये तुम्हारी तरफ़ से उन पर बोहतान लगाना होगा यानी ये उनकी वाजें खुली हक तलफी होगी हाँ अगर उन्होंने कोई खुली बेहयाई की है जिना किया है तो फिर तुम तलाक देते हुए हक महर वापस ले सकते हो अगर वो बदकारी का नहीं कर रही थी तो तुम उनको किसी सूरत हक महर वापस करने के लिए मजबूर नहीं कर सकते हक महर क्यों नहीं लेना चाहिए इसकी मज़ीद वजाहत जो है वो अगली आयत में है नंबर इक्कीस है वह कई फतः खजू नफदम इलाहाबाद व अखद कुम मन वलीजा तर्जा है आखिर तुम कैसे महर वापस ले सकते हो हालांकि तुम एक दूसरे से फ़ायदा उठा चुके हो यानी लुफानंदोज़ हो चुके हो और एक दूसरे से पैमान कर चुके हो यहाँ अल्लाह सुबाना तला बता रहे हैं क्यों नहीं हक मर लेना वजह बताई जा रही है कहा जा रहा है तुम कैसे अपनी बीवी से हक मर वापस ले सकते हो यानी कैसे ये जुरत कर सकते हो हालांकि तुम निकाह के मज़बूत रिश्ते में बन चुके थे एक दूसरे के बहुत करीब आ गए थे एक दूसरे के राजो न्यास जान गए थे एक दूसरे से फ़ायदा उठा लिया था यहाँ अफ़दा बादुकुम इलाबाद यानी तुम में से बाज़ बाज़ के करीब पहुँच चुके थे इससे बुरा है हम बिस्तरी कर चुके थे बुखारी और मुस्लिम और निसाई किताबों निका में है एक शख़्स ने अपनी बीवी पर जिना का इज़ाम लगाया और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसलम के सामने पेश हुआ और अपने सच्चा होने की कसम खाई बीवी ने भी अपने बेगुनाह होने की कसम खाई आप ने इनकी कसमों के बाद फरमाया अल्लाह ही ज़्यादा जानता है तुम दोनों में से कौन झूठा है आप अलैहि वसल्लम ने तीन दफ़ा फरमाया क्या तुम दोनों में से कोई अब भी तौबा करता है ज़ारा एक तो सच्चा था ना और एक झूठा था तो उस मर्द ने कहा मैंने अपनी बीवी को जो हकमर दिया था उसके बारे में आप क्या फरमाते हैं आप वसल्लम ने फरमाया उसी के बदले तो ये तुम्हारे लिए हलाल हुई थी यानी तुम उससे फ़ायदा उठा चुके हो और बदले में हकमर दे चुके हो बात बराबर हो गई फिर कहा जा रहा है वह अखत नमनी और इन औरतों ने से मजबूत से मज़बूत अहदोपैमान ले रखा है मुराद है निकाह के वक्त अल्लाह को और लोगों को गवाह बनाकर तुम बीवी के नान नानफ़के और दीगर ज़रूरियात का ख्याल रखने का अहद ले चुके हो अच्छा सलूक करने का वफ़ादार रहने का उसे खुश रखने का अहद कर चुके हो इस मजबूत बान के बाद अगर हर तरह की कोशिश करने के बावजूद तुम निबाह नहीं कर सके तो उसे कम से कम रुख्सत तो अच्छे तरीके से करो एहसान के साथ छोड़ो अल्लाह ने तो कहा है अगर रुखती ना हुई हो सिर्फ निकाह हुआ हो तो भी कुछ ना कुछ दे दिलाकर रुखसत करो एहसान का मामला करने को कहा गया है ना यानी यहाँ तो रुसती भी हो गई फ़ायदा भी उठा लिया और अब तलाक़ देते वक्त कोई कहे कि जी हक महर वापस करो मेरे तमाम तोहफे तहफ़ वापस करो तो ये सब कहना से शर्म होना चाहिए उस कहने वाले के लिए बहुत ही घटिया और गिरी हुई हरकत है वैसे भी हदीस है ना जिसका मफूम है कि अगर कोई तोहफे तहफ़ देकर वापस मांगे तो यह ऐसे ही है जैसे कुत्ता कह करे और फिर चाट ले और यह अल्लाह को बहुत ही नाराज़ करने वाली हरकत है लिहाजा यहाँ यही कहा जा रहा है कि अपनी गुजश्त निका के बाद जो भी तुम्हारी ज़िंदगी गुज़री थी जो भी तुम्हारा रिश्ता इस्तवार हुआ था जो भी तुमने फ़ायदा उठाया था एक दूसरे के राजो न्यास जान गए थे कमी कुतियाँ जान गए थे उस गुजरे हुए जो भी तुम्हारा वक्त था उसका लिहाज कर लो लिहाजा जो कुछ भी ले दे चुके हो अब उसका मुतालबा ना करो हक मैर ना मांगो तोहफे तहफ बीवी से वापस ना मांगो बल्कि कुछ दे दिलाकर भले तरीके से एहसान का मामला करते हुए रुख्सत करो उसे आयत नंबर बाईस है वाह न कह अबाउक नजल्फ़ इन ना नम व मक़ता वसा असबीला तजबा है और उन औरतों से हरगिज़ टिकारा करो जिसे तुम्हारे बापो ने निका किया है मगर जो पहले हो चुका सो हो चुका दर हकीकत ऐसा करना बेहयाई का काम है और बोस का सबब है और बुरा चलन है इस आयत आयतम अल्ला तबार जहालियत के एक गलत तरीके और रवाज को हराम करार दे रहे हैं सबसे पहले है औ की हु माँ न अबा उकुम मिनन न और तुम उन औरतों से निकाह ना करो जिनसे पहले तुम्हारे बाप दादा या नाना निकाह कर चुके थे दादा और नाना भी बाप ही की कैटेगरी में आते हैं यानी बाप की तलाकशुदा बीवी से शादी ना करो जो तुम्हारी सुतीली माँ है यानी बाप ने तलाक दे दी है इस सूरत में भी ना करो और अगर तुम्हारे बाप मर जाएं तो भी सुतीली माँ से निकाह ना करो क्योंकि देखें मुकाम काम के अतबार से सुतीली माएँ जो हैं वो बिल्कुल सगी माओ की तरह होती हैं उनका भी वही अदबोत होना चाहिए उसी तरह उनकी ज़रूरियात का ख्याल रखना चाहिए जिस तरह के सगी माओ का रखा जाता है सबार जहालियत पे जो सतीले बेटे हैं वो ज़बरदस्ती निकाह कर लेते थे और वजह क्या होती थी वरासत हाथ से ना निकल जाए सतीमाओं को हिस्सा ना देना पड़ जाए तो अल्लाह सबा तआला ने कहा कि उनके साथ ज़बरदस्ती निकाह करना ताकि वह रसत हाथ से ना चली जाए ये करना हराम है बातिल है और बहुत ही बेहयाई का काम है ऐसा करने से बोझ और नफ़रतें जो हैं वो जन्म लेती हैं और बहुत ही शर्मनाक ये अमल है इसी तरह अगर बाप ने किसी औरत से जिना किया हो तो भी बेटे का उस औरत से निकाह करना हराम होगा फिर कहा जा रहा है मा कद सलफ़ मगर जो पहले हो चुका सो हो चुका नी ज़माने जहालियत में जो हुआ वो हो गया लेकिन अब नहीं कर सकते अल्लाह के इस हुक्म के आने से पहले हाँ तुमने जो अपनी सतीली माओ से शादी की और बच्चे भी हो गए तो चलो उसके बारे में तो पूछ नहीं होगी जो हो गया सो हो गया नहीं गुनाह होगा जो पहले हो चुका क्योंकि वो तुमने अल्लाह का हुक्म आने से पहले जहालत में लाआलमी की वजह से किया था और तुम्हारी माओं से जो बच्चे पैदा हो गए हैं वो भी चलो नाजायज़ ना अब नहीं कहलाएंगे लेकिन इस हुक्म के बाद अगर निकाह किया तो वो हलाल ही नहीं होगा तो फिर बच्चे कहाँ से जायज़ होंगे फिर कहा जा रहा है मज़ीत कौन कौन से रिश्ते हैं जिनसे तुम निकाह नहीं कर सकते अगली आयत में इसका ज़िक्र है एक चीज़ और समझ लेते हैं इस आयत में कहा गया ना कि इमा कद सलफ़ तो इससे ये भी मुराद है कि जबान जहालियत पे जो तुमने सतीली माओं से निकाह किए और बच्चे भी हुए वो बच्चे अब वरासत में हिस्सेदार होंगे क्योंकि ये जो तुमने किया वो इस हुक्म के आने से पहले किया आइए देखते हैं अगली आयत में कि कौन कौन से रिश्ते हैं जिनसे निका नहीं हो सकता आयत नंबर तेईस है हरमतुम उम्मातुकुम व बना तो हवा वम्मा वालतुकुम व नातला वनातलुख्त व उम्मातु कुम्लातीदुम व हो तो मिनुदआती व उम हातु नसाईकुम وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن وإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف का नागफुरहिमा तर्जबा है तुम पर हराम की गईं तुम्हारी माएँ तुम्हारी बेटियाँ तुम्हारी बहनें तुम्हारी फूपियाँ तुम्हारी ख़लाएँ तुम्हारी भतीजियाँ भांजियाँ और तुम्हारी वो माएँ जिन्होंने तुम्हें दूध पिलाया और तुम्हारी दूर शरीक बहने तुम्हारी बीवियों की माएँ और तुम्हारी बीवियों की वो बेटियाँ जो तुम्हारी गोद में परवरिश पा रही हैं बशरतिया के तुम अपनी बीवियों से सोहबत कर चुके हो और अगर अभी तक सोहबत नहीं की तो उनको छोड़कर उनकी लड़कियों से निकाह कर लेने में तुम पर कोई गुनाह नहीं और तुम्हारे उन बेटों की बीवियाँ भी तुम पर हराम हैं जो तुम्हारी सुल्ब से हों यानी तुमने उनको पैदा किया हो नीस ये के तुम दो बहनों को अपने निकाह में जमा कर लो मगर जो पहले गुज़र चुका सो गुज़र चुका क्योंकि अल्लाह बहुत बख्शने वाला और रहम फरमाने वाला है अभी शायद बे उन औरतों का ज़िक्र हो रहा है जो मर्दों पर हराम होती हैं नसबी रिश्तों की वजह से या रज़ाई या फिर ससुराली रिश्तों की वजह से यानी जिनसे निकाह नहीं किया जा सकता जो मुहरमात में आ जाती हैं बुखारी किताबो निकाह में है हज़त इबन रज़ी फरमाते हैं सात औरतें नसब की वजह से हराम हैं मर्दों पर और सात ससुराली रिश्ते की वजह से हराम हैं फिर आपने इस आयत की तिलावत की जिसमें बहन की लड़कियों तक नसबी रिश्तों का जिक्र है सबसे पहले है आयत में हरमतौलईकुम उम हाथुम तुम पर हराम कर दी गई तुम्हारी माए यहाँ सगी सोतेली, रज़ाई सब माएँ शामिल हैं इसी तरह उम हाथु से मुराद सिर्फ़ माय नहीं बल्कि दादियाँ और नानियाँ भी आ जाती हैं इनसे भी निकाह नहीं किया जा सकता व बना तो कम व ख़वातुम और तुम्हारी बेटियाँ और तुम्हारी बहनें ये भी हराम होती हैं निकाह नहीं कर सकते यहाँ बना तो सगी सोतीली सारी बेटियाँ नवासियाँ पोतियाँ पढ़ पोतियाँ पढ़नवासियाँ सब शामिल हैं इसी तरह अगर किसी शख़्स ने किसी औरत से जिना किया हो तो इस नुतफे से पैदा होने वाली लड़की भी उस पर हराम होगी अब यह शख्स उससे निकाह नहीं कर सकता इसी तरह बीवी अपने साथ जो दूसरे शौहर की लड़की लाई हो वो भी इस सौतेले बाप के लिए हराम होगी इसकी वजात आगे आ जाएगी फिर है वह अखवाक और तुम्हारी बहनें तुम पर हराम हैं यहाँ अखवात में सगी बहनें आलाती बहनें यानी जिनका बाप एक हो माएँ अलग हों और अख़ियाफ़ी बहनें यानी जिनकी माएँ एक हों बाप अलग हों सब शामिल हैं वह मातु कुम और तुम्हारी फुपियाँ तुम पर हराम हैं कि तुम उनसे निकाह करो यहाँ मातु से बरात बाप की हकीकी बहने आलाती बहने अखियाफी बहने सब शामिल हैं वह ख़लात और तुम्हारी ख़लाएँ तुम पर हराम हैं कि तुम उनसे निकाह करो ख़ाला वालदा की हकीकी बहन हो या आलाती बहन हो या अखियाफी बहन हो हर एक से निकाह जो है वह हराम होगा बनातुल बनातल़ी और भाई की लड़कियाँ तुम पर हराम हैं यानि भतीजियाँ ख़्वा हकीकी हों या आलाती हों या अखियाफी हों तीनों तरह की भतीजियों से निका हराम होता है व बनातुल उख्ती और बहन की लड़कियाँ जिन्हें भांजी कहा जाता है ना भाजियाँ ख़्वा हकीकी हों या आलाती हों या अखियाफी हों तीनों तरह की भाजियाँ जो हैं वो निकाह के लिए हराम हैं वह उम तो कुम्लाती और वो माएँ जिन्होंने तुम्हें दूध पिलाया हो अगरचे वो तुम्हारी हकीकी माएँ नहीं हैं जाहिर है उन्होंने पैदा तो नहीं किया लेकिन दूध पिलाने की वजह से वो भी वालदा ही की तरह होती हैं उनसे भी निकाह हराम हो जाता है रजाई माओ से निकाह जो है वो निकाह का होना हराम होना जो है ये हरमत रजात कहलाता है हरमत रजात के लिए ज़रूरी है कि दूध बचपन में दूध पीने के ज़माने में पिया हो ये नहीं कि आप जवान हो गए और किसी ने कप में ला कर दूध दे दिया किसी का और आप कहें जी वो अब रज़ाई रिश्ता हमारा कायम हो गया दूध एक दफ़ा पिया हो या कई दफ़ा पिया हो कम पिया हो या ज़्यादा पिया हो हर सूरत में हरमत साबित हो जाती है बुखारी और मुस्लिम मुस्लिम किताब ताबो निकाह में है आप अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया इन् रदातु मिनल मज रजात से जो हरमत साबित होगी वो उसी ज़माने के दूध पीने से होगी जिस ज़माने में दूध पीने ही से बच्चे की नशोनमा होती है रजात की उम्र कुछ के नज़दीक दो साल है और कुछ के नज़दीक ढाई साल है ये इख्तलाफ भी है वह अहवा तो कुमारदा आती रजात के रिश्ते से जो तुम्हारी बहनें हैं उनसे भी निकाह हराम है को थोड़ा समझ लेते हैं फर्ज करें एक लड़के और लड़की ने जो आपस में जिनका कोई रिश्ता नहीं था एक ही औरत का दूध पी लिया दूध पीने की उम्र में अब इन दोनों का आपस में निकाह नहीं हो सकता यह लड़की रजाई बहन है उस लड़के की और दूध पिलाने वाली इन दोनों की रजाई माँ है इस दूध पिलाने वाली औरत का शौहर इन दोनों बच्चों का रजाई बाप है इस औरत के जो अपने नसबी बच्चे हैं जो उसने खुद पैदा किए हैं वो भी इस लड़के और लड़की के रज़ाई बहन भाई कहलाएंगे। दूध पिलाने वाली औरत की बहनें इन बच्चों की रज़ाई खालाएं हो जाएंगी इस औरत का दूध पिलाने वाली औरत का जेठ और देवर इन बच्चों का रज़ाई चचा बन जाएगा और इस औरत का शौहर इन बच्चों का बाप हो जाएगा ना रजाई बाप लेकिन उसके जो उसकी बहनें होंगी यानी दूध पिलाने वाली औरत के शौहर की बहनें वो इन बच्चों की रजाई फुपियाँ बन जाएंगी इन सब पर हरमत रजात साबित हो जाएगी लिहाजा इनके आप इस पर निकाह नहीं हो सकते जैसा कि पहले बात हुई जो रिश्ते नसब की वजह से हराम होते हैं वो रज़ात की वजह से भी हराम हो जाते हैं बुखारी किताबो निका में है आप अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फरमायामदी मा यह मिनल मिनल्दती जो रिश्ते नसब से हराम होते हैं वो रज़ा से भी यानी दूध पिलाने से भी हराम हो जाते हैं फिर आयत में है व उम्मा हा यहाँ व उमहासाई कुम से मुराद है बीवियों की माएँ यानी मर्दों की जो सासें होती हैं वो भी हराम होती हैं उन पर वो उनसे निकाह नहीं कर सकते इससे बरात मर्दों की बीवियों की माएँ उनकी बीवियों की नानियाँ और दादियाँ सब मुराद हैं वो सगी हो या सतीली हो या नसबी हो या रज़ाई हो सब शामिल हैं इसमें कहा जाता है मर्द जब किसी औरत से ज़िना करता है हम बिस्तरी करता है तो उसकी माँ भी उस पर हराम हो जाती है जिस तरह के बीवी की माँ हराम होती है निकाह के लिए निकाह की वजह से बीवी की माँ यानी सास हराम हो जाती है ख्वा अभी रुसती ना भी हुई हो फिर कहा जा रहा है व रबा इबू को मुल्लाती फ़ी हजूरी कोन सा इको मुल्लाती तुम और तुम्हारी बीवियों की बेटियाँ जो तुम्हारी गोदों में हैं यानी तुम्हारी उन बीवियों में से हैं जिनके साथ तुम खलवत कर चुके हो और यह उनके दूसरे शहरों की हैं यहाँ यही कहा जा रहा है कि जिस औरत के साथ तुमने निकाह किया और निकाह के बाद तालु कायम किया हम बिस्तरी की उस औरत की लड़की जो दूसरे शोहर में से वो लेकर आई है वो अब तुम पर हराम है इसी तरह बीवी की दूसरे शोहरों से जो भी पोतियाँ होंगी या नवासियाँ होंगी वो भी हराम होंगी उनसे निकाह करना जायज़ नहीं है फिल्म तकनु दखल तुम बिहन् फ़ला जुना हल लेकिन अगर सिर्फ़ निकाह हुआ हो यानी ताल्लुक़ कायम नहीं किया हम हम बिस्तरी नहीं की तो बीवी की लड़की हराम नहीं होगी हाँ अगर निकाह के बाद बीवी को शहवत के साथ छुआ यानी ताल्लुक़ तो कायम नहीं किया इस सूरत में भी बीवी की लड़की हराम हो जाएगी वह हलाईल अबनाईकुमल मिन असुलाबी कुम और नहीं हलाल बीवियां तुम्हारे बेटों की वो बेटे जो तुम्हारी पुर से हों यानी सगे बेटे जो हैं उनकी बीवियां हराम होती हैं यानी बहुएं कह लें आप मर्दों के लिए वो हराम हैं इसी तरह पोते और नवासी की बीवियां भी हराम हैं उनसे निकाह नहीं हो सकता यहाँ असला भी से मुराद है सिर्फ़ सगे बेटों की बीवियां हराम हैं अगर कोई बच्चा ले के पाला है और वो जवान हो गया है फिर उसका निकाह हो गया है तो उस ले पालक बेटे की बीवी जो है उससे निकाह हलाल जो है वो होगा वो क्यों अगर ले पालक बेटा मर जाए या अपनी बीवी को तलाक दे दे तो अब मर्द उससे शादी और ऐसे कर सकता है क्योंकि वो उसका सगा बेटा नहीं था ना व अन तजमाऊ बैन अख़तिन और ये कि तुम जमा करो दो बहनों को इससे ये मुराद है कि एक वक्त में दोनों बहनों से निकाह कर लिया जाए यह हराम है बहनें हकीकी हों या आलाती हों या अखियाफी हों नसब के एतबार से हों या रज़ाई बहनें हों ये हुक्म सब के लिए है हाँ अगर बीवी को तलाक दे दे तो फिर उसकी दूसरी बहन से निकाह जायज़ है अब जो बीवी की बहन है वो अपनी बहन की इद्दत मुकम्मल होने के बाद निकाह करेगी इद्दत में निकाह नहीं कर सकती ये हराम होगा जिस तरह एक साथ दो बहनों को एक शख़्स के निकाह में जमा करना हराम है इसी तरह फूफी भतीजी और खाला भांजी को भी किसी एक शख्स के निकाह में जमा करना हराम है यानी ये नहीं हो सकता कि एक शख्स अपनी बीवी से भी शादी करे ज़ार निकाह किया और उसकी भतीजी से भी कर ले या बीवी की भांजी से भी शादी कर ले और दोनों को इकट्ठा घर में रखे फिर कहा जा रहा है इल्ला मा कद सलफ़ मगर जो पहले हो चुका हो चुका यानी जमाने जहालियत पे जो कुछ भी होता रहा उस पर मुआवज़ा नहीं होगा पकड़ नहीं होगी अलबतः अब इन एहकाम के आ जाने के बाद इनकी ख़िलाफ़ वर्जी की गई तो ज़रूर इसका जवाब देना होगा फिर पकड़ होगी अलबत् इन एहकाम के आ जाने के बाद अगर दो बहनें एक शख्स के निकाने हैं तो उस शख्स को एक बीवी को तलाक देनी होगी यानी अलग करना होगा ये लाजिम है इन अल्लाह का नागफ़ुरहिमा बेशक अल्लाह बख्शने वाला मेहरबान है यानी ज़माने जहालीत बेलामी की वजह से जो भी रिश्ते कायम होंगे और इन अहकाम से पहले ही वो उन रिश्तों के होते हुए दुनिया से चले गए अल्लाह उन्हें माफ़ कर वाला है यानी उन्होंने तो ये अहकाम सुने ही नहीं तो उनका मुआवजा क्यों होगा बिल्कुल नहीं होगा यहाँ पे देखें अगर दो बहनें एक शख्स के निकाह में हैं तो वो एक को तलाक देगा लेकिन अगर ज़बान जहालियत पे किसी ने अपनी सतीली माँ से निकाह कर लिया अपने बाप के मरने के बाद बच्चे भी पैदा होंगे तो अब वो बच्चे जो है वरासत के हकदार होंगे इस सूरत में अल्लाह ताला जो है रहीम हैं रहम फरमाने वाले हैं बख्शने वाले हैं दुआ है अल्लाह ताला हम सब की भी कमी कोतियों को दरगुजर फरमाए जो हमने लामी में किए जाने अनजाने में किए अल्लाह साल बख्श फरमा दे आमीन अल्लाहुम्मा आमीन आज का होमवर्क नोट कर लीजिए सवाल नंबर एक है आज की आयत का तर्जुमा रूट वर्ड्स और वाहिद जमा बताइए सवाल नंबर दो जिना की हद मुकर करने की शर्त क्या है आयत नंबर है पंद्रह सवाल नंबर तीन अमले लूत करने वालों की क्या सज़ा बताई गई है आयत नंबर सोलह सवाल नंबर चार जहालत और लाइलमी की बिना पर गुनाह करने वाले अगर तोबा कर लें अपनी असलाह कर लें तो उनके साथ क्या मामला करना चाहिए आयत नंबर है सत्रह सवाल नंबर पाँच किन किन की तोबा कबूल नहीं होती आयत नंबर है अठारह सवाल नंबर छः वाशरूहन्ना बिलमूफ़ शौहर की ज़िम्मेदारियाँ बताइए आयत नंबर है उन्नीस सवाल नंबर सात अगर मियाँ बीवी के दरमियान किसी सूरत भी समझौता ना हो सके तो शौहर को तलाक़ देते वक्त बीवी के साथ क्या मामला करना चाहिए आयत नंबर है बीस सवाल नंबर आठ है बीवी को तलाक देते वक्त हक मैर और दीगर तहफ़ ना लेने की क्या वजूहत बताई जा रही हैं आयत नंबर इक्कीस सवाल नंबर नौ मर्दों को उन औरतों से निकाह करना मना किया गया है जिनसे बाप दादा ने निकाह किए थे क्यों मना किया गया है ऐसा करना कैसा अमल है आयत नंबर बाईस सवाल नंबर दस अल्लाह ने निकाह के लिए कौन कौन से रिश्ते हराम किए हैं आयत नंबर तेईस सवाल नंबर ग्यारह वर्ड्स और उनसे बनने वाली असल शक्लें दी जा रही हैं यानी रूट वर्ड्स और जो उनसे असल शक्लें बनती हैं वो दी जा रही हैं कायदे के बाद इस्तेमाल होने वाली शक्लें जो हैं वो बताइए इसकी वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी जा रही है वो देखने के बाद इंशाल्लाह ये सब करना बहुत आसान होगा रूट वर्ड है नंबर एक ख़ा फा असल शक्ल है या ज़बर खा यख़ वाह ज़बर वाह यख़ व वा फ़ा पेशफ़ो यख़ फ़ा फो नंबर दो आयन वाओ ज़ाल और असल शक्ल है नावोज़ू नून ज़बर आइन ना वाव पेश पेशवू ज़ाल पेश ज़ू नाव़ू नंबर तीन रा द या असल शक्ल है ुदा यु या, या ज़बर रॉ यर जबर द या पेश यू यादा यु नंबर चार है ज़ा या दाल असल शक्ल है यज़ यि दो या ज़बर ज़ा यज़ या जर यि दाल पेश दो नंबर पाँच है हा दाल या असल शक्ल है यह दि यू या ज़बर हा यह दाल जेर दी या पेश यु यह दी यू नंबर छः है रा दाल, दाल। और असल शक्ल है यरद दू, दू ना या ज़बर यर दाल पेश दू, फिर दाल पेश वू नू ज़बरना यर दू, दू, दू ना दुआ है लाल हमें बेहतरीन तरीके से इन अहकाम को समझने और इन पर अमल करने वाला बनाए इन्हें दूसरों तक पहुँचाने वाला बनाए आमीन अपना बहुत ख़्याल रखिएगा सुबह नबी हमदी का न शुल्ल अला अंत न स्त फिरुका व न तुबोलैक व वबरकत